लाइव करने के बाद। नमस्कार दोस्तों, आज की बातचीत में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं, जो हम लोग यहाँ पे जुड़े हैं सोशल सब्सटेंस के प्लेटफॉर्म पे, हम लगातार इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए जो भी हमें चाहिए होता है, हमारे समाज को ज़रूरत होती है, हमें ज़रूरत होती है, हम उस मुद्दों पर चर्चा करते हैं। हम कोशिश करते हैं कि जो भी मुद्दा हो, आज के परिस्थितियों से जुड़ा हो मुद्दा हो, फरवरी मार्च का, जनवरी फरवरी मार्च का महीना वो होता है जब मौसम करवट ले रहा होता है, बसंत आ रही है, लेकिन ठंड अभी पूरी तरह से गई नहीं है। तो इस मौसम में जो सीजनल चेंज होता है, सीजनल एलर्जीज जो होती हैं बड़ी कॉमन हो जाती हैं, लोगों को सांस लेने में तकलीफ आती है, अस्थमा जैसी कंडीशंस हो जाती हैं, और बहुत सारे ऐसे साथी हम लोगों ने देखे हैं कि जो जब उनको ऐसी कंडीशन बन जाती है, नाक भर जाना, गले में लगातार खराश रहना, जब उनको इस तरह की स्थितियों में आ जाते हैं, तो ऐसी ऐसी दवाइयाँ भी उनको लेनी पड़ती हैं जिससे काफ़ी नींद आने की प्रॉब्लम सुनी है हम लोगों ने, तो बहुत सारी प्रॉब्लम सुनी है। तो आप लोगों की भी आपकी दिक्कतें होंगी जो हमें लाइव देख रहे हैं वो भी, और जो हमारे साथ आज इस गूगल मीट के ज़रिए जुड़े हैं उनसे भी। मैं ये आग्रह करूंगा कि आज का जो सेशन है वो बहुत ही लर्न्ड हमारे जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर शकुंतला लवासा जी बोलेंगे, और उनके सेशन के बाद जब हम उनकी बात सुन लेंगे तो ये सेशन इंटरेक्टिव भी होगा। वो क्वेरीज जो हमारे पास होंगी उनसे भी आंसर, उनसे कोशिश करेंगे कि हम उनसे बातचीत करके अपना उत्तर ले सकें। मीनवाइल अगर किसी का कोई और प्रश्न होगा तो वो इस गूगल मीट की चैट विंडो का इस्तेमाल करते हुए अपना प्रश्न लिख सकता है। सेशन के आखिर में मैं उनको दावत दूंगा कि वो चैट के क्वेश्चंस पढ़ के भी कि वो उनका प्रश्नों का उत्तर भी दें। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि जो आज का मुद्दा है वो बहुत गंभीर, बहुत संजीदा है, दो तरह से संजीदा है। इस बात को ध्यान में रखते हुए प्लीज़ आप ये टॉक सुनिएगा। एलर्जी अस्थमा का शिकार हम भी हो सकते हैं, या हमारे घर में कोई ऐसा भी हो सकता है कि हमें समझ ना आ रही हो कि उसको हुआ क्या है, हुई उसको एलर्जी हो लेकिन हम दवाई किसी और चीज़ की कर रहे हो, हम उसका इलाज कहीं और ढूंढ रहे हो लेकिन हो वो एलर्जिक सिम्टम्स, तो ये कैसे पहचाना जा सकता है? आज इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हम डॉक्टर लवासा को हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद देते हैं और बहुत स्वागत करते हैं। मैम, इसके बाद मंच और माइक आपके पास, प्लीज़ आप अपनी बात कहिए और उसके बाद फिर हम आपसे इंटरेक्टिव सेशन में चलेंगे। नमस्ते अरुण जी, और जितने भी लोग ये सुन रहे हैं उन सबको मैं बहुत बहुत आदर के साथ नमस्ते करती हूँ। और आपने मेरा काम बहुत आसान कर दिया क्योंकि आपने इस टॉपिक को इतना अच्छा इंट्रोड्यूस किया है। सभी लोग जानते हैं कि मतलब एलर्जी जो फील्ड है वो अब इतना एडवांस हो गया है कि पहले जिस चीज को एलर्जी को कहते हैं अल्लाह की मर्जी, वो अब अल्लाह की मर्जी नहीं रहा। और ऑफ कोर्स अल्लाह की तो हर चीज की मर्जी होती है, लेकिन ये है कि अब इसमें भी इतने साइंटिफिक एडवांसेस हो गए हैं कि हम लोग मॉलिकुलर लेवल पे पिन पॉइंट कर सकते हैं और हम अपने मरीजों को न केवल ट्रीटमेंट में हेल्प कर सकते हैं बल्कि प्रिवेंशन में भी हेल्प कर सकते हैं। अच्छा, जहाँ तक इस प्रॉब्लम की अहमियत का सवाल है तो आप सब लोगों को जानकर ये आश्चर्य होगा कि सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं लेकिन पूरी दुनिया में 30 से 35% लोग, परसेंट का मतलब होता है कि 100 लोगों को अगर हम इकट्ठा करें तो उसमें से 30-35 लोग एलर्जी के शिकार होते हैं। और एलर्जी की अहमियत ये होती है कि ये सिर्फ कहने के लिए ही नहीं, लेकिन यही प्रॉब्लम जो शुरू शुरू में हमको लगती है कि नहीं बार बार गला खराब होता है, नहीं सिर्फ छींकें ही आती हैं, नहीं रात को नींद नहीं आती या स्नोरिंग होती है, यही प्रॉब्लम, इसको एक एलर्जी मार्च कहते हैं। एलर्जी मार्च होते हैं मतलब कि ये रुकती नहीं है, ये मार्च करके अल्टीमेटली फिर एस्थमा जैसी गंभीर समस्या का रूप ले लेती है। अच्छा, और दूसरी बात ये है कि एलर्जी एक पेड़ की तरह होती है, पेड़ आप समझते हैं ना, ट्री, तो ट्री में एक रूट होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते और उसके बाद में ट्री में स्टेम होता है और उसकी कई ब्रांचेस होती हैं और जो हमें दिखाई देता है वो पेड़, फूल, पत्ते और टहनियाँ, लेकिन रूट्स नहीं दिखाई देते। तो इसी तरह जब एलर्जी एक जो रूट कॉजेज हैं वो किसी भी बॉडी के सिस्टम में जा सकते हैं, जैसे कि नाक में चले गए तो नेजल एलर्जी बन गए, मान लीजिए फूड पाइप में चले गए तो फूड एलर्जी बन गए, मान लीजिए स्किन में चले गए तो स्किन एलर्जी, आईज में चले गए तो आई एलर्जी, मतलब कि बॉडी के किसी भी पोर्शन को, किसी भी पार्ट को एलर्जी इफेक्ट कर सकती है।
और जबकि रूट कॉज सेम होते हैं। और अगर आप मान लीजिए ये सोचें कि ऊपर से हम पेड़ को काट दें कि मेरी खिड़की में नहीं दिखना चाहिए, तो वो उसका अंत नहीं होता जब तक आप रूट कॉज को नहीं ट्रीट करेंगे, तब तक आप पेड़ का इलाज नहीं कर सकते। इसी तरह एलर्जी में भी ये होता है कि कहीं की भी एलर्जी हो, लेकिन अगर आप रूट कॉज पता करके और इलाज करेंगे तो फिर वो हर जगह की एलर्जी ठीक हो जाएगी। एलर्जी की समस्या को हमें जरूर समझना इसलिए भी चाहिए क्योंकि आप ये देखिए कि बचपन में जैसे एलर्जी शुरू होती है तो बच्चे कहते हैं कि बार बार गला खराब हो रहा है, बार बार जुकाम हो रहा है, बार बार छींकें आ रही हैं, अरे इसका नज़ला तो कभी रुकता ही नहीं है, पेट दर्द हो रहा है। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स को जनरली मतलब माफ़ी चाहती हूँ अपनी कम्युनिटी, डॉक्टर कम्युनिटी से भी, लेकिन डॉक्टर्स भी इस चीज़ को लाइटली लेते हैं और अक्सर एंटीबायोटिक अब्यूज़, मतलब जैसे ही गला खराब हुआ पहले तो डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करें या नहीं करें, पड़ोसियों से, अपने पुराने एक्सपीरियंस से, पहले किसी बच्चे को मिला होगा इस तरह से, या आसपास पूछ के, या केमिस्ट से अपने आप खरीद के, इस तरह से लोग एंटीबायोटिक अब्यूज़ करते हैं कि बार बार थोड़े दिनों के लिए एरिथ्रोमाइसिन दे दिया, थोड़े दिनों के लिए एमोक्सिसिलिन दे दिया, क्योंकि हमारे देश में ओवर द काउंटर दवाइयाँ मिलती हैं, कोई प्रिस्क्रिप्शन पे एंटीबायोटिक नहीं मिलते, तो लोग ऐसे एंटीबायोटिक अब्यूज़, इसको हम कहते हैं अपने मेडिकल लैंग्वेज में। तो ये मतलब एलर्जी को निग्लेक्ट करना एक एंटीबायोटिक अब्यूज़ का भी सबसे बड़ा कारण है। तो इसलिए हमें सबसे पहले जल्दी से जल्दी समझना चाहिए। दूसरी ये धारणा होती है कि कोई बात नहीं है, बचपन में एलर्जी रहेगी लेकिन थोड़े दिनों के बाद में अपने आप ठीक हो जाएगी, तो ऐसा नहीं है। मतलब एलर्जी मार्च करती है, तो जैसे मैंने आपको बताया ये एक साइंटिफिक टर्म है एलर्जी मार्च। इसका मतलब ये है कि जो चीज़ शुरू में नाक बंद थी, जो चीज़ शुरू में छींकी थी, जो शुरू में सिर्फ नज़ला गले में गिरने की थी या बार बार गला खराब होने की बीमारी थी, वो अंदर ही अंदर मार्च करके किसी भी सिस्टम में जा रही है, और अगर वो ब्रीदिंग सिस्टम में ही रहेगी तो वो एस्थमा बन जाएगी। और आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि इतने ज़्यादा एडवांसेस हो गए हैं, लोग भी बहुत समझने लगे हैं, साइंस ने एडवांस करके एकदम इफेक्टिव और नई नई दवाइयाँ भी ला दी हैं हमारे यूज़ के लिए, उसके बावजूद भी डेथ 7% लोग जो है ना वो एस्थमा से मरते हैं। तो आप सोचो कितनी भयानक बात है। और अगर मान लीजिए कभी स्कूल में ऐसा अटैक हो जाए या क्या हो जाए तो प्रिपेयर्डनेस में नहीं होती है, और मतलब ये बहुत एक सीरियस समस्या है। और आप सोचिए कि अगर हम जागरूक रहें तो हम केवल इसका इलाज नहीं बल्कि हम चीज़ों को प्रिवेंट भी कर सकते हैं। तो उस हिसाब से मतलब ये आज का टॉपिक आपने बहुत अच्छा चुना है। अब आज का टॉपिक इस टाइम चुना है ये भी एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप देखेंगे शुरू में क्या होता है कि एलर्जी एक सीजनल एलर्जी होती है। तो सीजनल एलर्जी में क्या होता है कि जैसे सीजन के हिसाब से होती है, तो हालांकि हम कहेंगे कि बसंत ऋतु आ गई है और बसंत ऋतु सबको इतनी मनमोहक और इतनी मनभावक लगती है और सारी प्रकृति बहुत उल्लासमयी और उमंग से भरी हुई है, रंगों से भरी हुई है, सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन इसी टाइम जो ये फूल और पेड़ अपनी नई नई मतलब पराग बना रहे हैं और हवा में बिखेर रहे हैं, तो इन सब का असर मार्च अप्रैल मई में एलर्जियाँ ज़्यादा करने में होता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि बसंत ऋतु ना ही नहीं, ऐसा नहीं, ऋतुएं तो बदलेंगी, लेकिन हम भी अपने शरीर को उस हिसाब से प्रिपेयर्ड रखें और हमको हम सीजन का असर अपने ऊपर नहीं होने दें। तो एक तो ये है मार्च अप्रैल मई में होने वाली सीजनल एलर्जी होती है, और फिर सेम एलर्जी जो होती है वो सेप्टेम्बर अक्टूबर में भी होती है, क्योंकि इन एलर्जियों को जो सिर्फ पोलन मतलब पेड़ पौधों के परागों से ही नहीं जोड़ा गया है, पर इनको हमारी जो फसलें उगती हैं और कटती हैं उनके साथ भी जोड़ा गया है। जैसे कि अप्रैल मई में आपको पता है बैसाखी आती है और कितना उल्लास का पर्व होता है, लेकिन आपको ये जानकर के और आश्चर्य होगा कि अप्रैल को बैसाखी एंजॉय करने की जगह और अपने खेतों की फसल को अच्छे तरह से उसका फ़ायदा उठाने की जगह कितने ही लोग हैं वो
एकदम एग्जैक्ट उस 15 दिन में एडमिट हो जाते हैं हॉस्पिटल में। अच्छा, यही टाइम बच्चों के लिए एग्जाम देने का बहुत जरूरी टाइम होता है, किसी के कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं, किसी के फाइनल एग्जाम्स हो रहे हैं, लेकिन जिनको अस्थमा की टेंडेंसी होती है वो अटैक से हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं। और हम लोग देखते हैं हॉस्पिटल में कि स्कूल ड्रॉप आउट भी होना पड़ता है, क्योंकि अगर आपने फाइनल एग्जाम नहीं दिया अप्रैल में तो फिर आपको 1 साल बर्बाद जाएगा। तो मतलब कहने के लिए ऐसा लगता है, लेकिन जिनके ऊपर ये होता है वो बहुत गंभीर समस्या है। तो अप्रैल मई में वीट थ्रेशिंग का टाइम होता है, तो उसकी एलर्जी बहुत देखी गई है। और इसी तरह सेप्टेम्बर अक्टूबर में पैडी थ्रेशिंग का टाइम होता है, तो ये देखी गई है। तो इसमें मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि ये एलर्जी सिर्फ किसानों को होगी कि जो लोग खेती करते हैं। इनफैक्ट मैंने पीजीआई में जब हम लोग काम करते थे तो इतने बच्चे और इतने बड़े एग्जैक्टली इन 15 दिन में एडमिट होते कि हमने सोचा कि हमको इसके ऊपर रिसर्च करना चाहिए कि आफ्टर ऑल इन्हीं दिनों में इतने क्यों आते हैं। तो एक्चुअली ये मेरी वे बैक इन 1985 ये मेरी पीएचडी थीसिस का टॉपिक भी रहा है कि हमने क्या किया कि खेतों में जा कर के, और जो खेतों में पॉपुलेशन थी उनके ड्वेलिंग्स मतलब उनके घरों को हमने स्टडी किया। वहाँ पे हमने जो वीट को कई स्टेज में, जैसे कि वीट मैच्योर होने से पहले हमने उसको लिया, फिर जब वीट मैच्योर हो जाता है उसके बाद हमने उसको लिया, फिर उसके बाद में जब कटाई होती है तो डायरेक्टली उसकी जो डस्ट होती है उसको हमने स्टराइल शीट पे लिया। ऐसे हमने अलग अलग स्टेजेस पे लिया और उनके घरों में जा कर के, प्लस जो किसान थे उनके कॉलर में सैम्पलर रख करके, मतलब बहुत डिटेल्ड हमने स्टडी की कि क्या ये प्रॉब्लम सिर्फ उन्हीं को होती है जो कि खेती करते हैं। लेकिन हाँ, हमारे रिसर्च में और उसके बाद में पूरे दुनिया के रिसर्च में ये पाया गया कि ये एलर्जन हवा में उड़ने वाला एलर्जन है, ये सिर्फ किसानों को नहीं होता। और इसकी जो विंड वेलोसिटी और विंड बायोएंसी वगैरह जिसको हम कहते हैं, तो वो इतनी है कि वो शहरों तक भी आ जाती है। और जो मान लीजिए कि चंडीगढ़ में कोई बच्चा कभी भी किसान नहीं है, किसान खेत में नहीं गया है, लेकिन वो भी बीमार पड़ के और सीरियस होकर के हॉस्पिटल में एडमिट हो रहा है, तो वो जो हवा में ट्रैवल करता है ये एलर्जन और सांस की नली के जरिए जाता है ये एलर्जन, तो ये सिटी वाले लोगों को भी होता है। तो इनफैक्ट ये वाला जो एलर्जन था, ये इसका मतलब मुझे बहुत गर्व के साथ कहना अच्छा लग रहा है कि मतलब मेरी पीएचडी थीसिस में हमने ये न्यू एलर्जन आइडेंटिफाई किया, और फिर उसके बाद में हमने इससे पेशेंट्स का ट्रीटमेंट करने के एक्सपेरिमेंट्स किए जो काफ़ी सक्सेसफुल हुए, और उसके बाद में ये नया एलर्जन आइडेंटिफाई हुआ और ये इंट्रोड्यूस हो गया कि सबको इससे टेस्ट करना चाहिए और सबको इससे ट्रीट करना चाहिए। और इसके लिए मुझे एक गोल्ड मेडल भी मिला, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैंने हमारे रीजन के किसानों की मदद से और हमारे रीजन में जो लोग अपने अस्थमा के मरीज थे उनकी मदद से रिसर्च करके और एक नई समाधान ढूंढा। नहीं तो हम लोग ये सोचते थे कि हमेशा ये अप्रैल मई के जो फूलों के पराग हैं और पोलन्स होते हैं उन्हीं की वजह से एलर्जी होती है। तो ये सीजन का जो है ये इम्पोर्टेंस इसलिए है कि मैं आज ये एम्फेसाइज करना चाहती हूँ कि अगर आपको अप्रैल मई में एलर्जी होने वाली है तो, या सितंबर अक्टूबर में एलर्जी होने वाली है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमको अप्रैल मई में बीमार होने तक के लिए वेट करना है। इस सीजनल एलर्जी में प्री सीजन, सीजन और पोस्ट सीजन, इस तरह हम लोग पीरियड्स को आइडेंटिफाई करते हैं। तो अगर हम प्री सीजन में ही सीजनल एलर्जी का इलाज करें तो वो बिल्कुल अलग इलाज होता है, वो प्रिवेंटिव इलाज होता है। तो अगर हमने जैसे आजकल मार्च अप्रैल में होने वाली एलर्जी का इलाज किया और इस सीजन में फिर वो एलर्जी नहीं होगी, तो ये देखा गया है कि बॉडी में क्योर जैसी सिचुएशन आ जाती है और फिर उसके बाद में वो एलर्जी होने की टेंडेंसी खत्म हो जाती है। लेकिन इतना अनफॉर्चुनेट मैं अपने आप को समझती हूँ और हमारे जैसे मेडिकल के डॉक्टर्स को समझती हूँ, जो हम लोग आज तक ज़्यादातर पब्लिक को ये मोटिवेट नहीं कर पाए कि बीमार होके ही डॉक्टर के पास नहीं आना है, लेकिन प्रिवेंशन के लिए भी डॉक्टर के पास आना है। तो अगर आप बीमार होके आएंगे तो हमारे पास में कुछ ही तरीके बचते हैं कि आपको अस्थमा का अटैक हो गया तो हम उनको
कुछ इनहेलर्स की मदद से आपको कंफर्टेबल होने में हेल्प करें, लेकिन वो क्योर नहीं हुआ। लेकिन अगर आप इस टाइम आएंगे, जैसे कि मार्च अप्रैल एलर्जी के लिए या मई में एलर्जी के लिए आप अभी आएंगे, तो फिर हम उसको अलग तरह से इलाज करेंगे, जिसको हम प्रिवेंटिव इलाज कहते हैं। और इसी तरह जो सितंबर अक्टूबर में होने वाली एलर्जी, उसके लिए भी आपको जुलाई अगस्त में आना है। तो ये बात हम लोग पता नहीं क्यों, मतलब लेकिन कुछ लोगों को तो समझा पाए हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों को नहीं समझा पाए। और हमारे देश में अभी भी मतलब लोग बीमार होते हैं और बीमार हो के आते हैं, और फिर हम बिल्कुल हेल्पलेस हो जाते हैं। हम सिर्फ उनको उस टाइम सिर्फ सांस अच्छी तरह लेने में हेल्प कर सकते हैं, लेकिन हम उसको अपनी सफलता नहीं समझते। तो एक ये बात है। दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो जिस चीज को आज हम सीजनल एलर्जी समझ रहे हैं, वही एलर्जीज जब हम उनको निग्लेक्ट करते हैं और बार बार अपने आप को बीमार होने देते हैं, तो वो एलर्जीज पेरिनियल हो जाती हैं। पेरिनियल का मतलब होता है फिर वो पूरे साल रहती हैं। अच्छा, जो एलर्जी जिसको आज हमने जुकाम समझा है और सिर्फ गले की खराश समझा है, वही एलर्जी धीरे 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 रह करके, और फिर पहले पोस्ट नेजल ड्रिप के मतलब नाक के में से गले में पानी गिरना, और फिर बिल्कुल सांस नहीं आना, और सारी रात नींद नहीं आना, और उठ करके बार बार थूकते ही रहने की इच्छा होना, तो इस तरह का रूप धारण कर लेती है, और फिर धीरे धीरे अस्थमा का रूप धारण कर लेती है। अच्छा, ऐसा है कि ये तो मैंने आपको जो एलर्जी और अस्थमा का टॉपिक है, ये तो रेस्पिरेटरी एलर्जी से संबंधित है। रेस्पिरेटरी मतलब कि जैसे हमारी बॉडी में ब्रीदिंग पाइप है, उसको रेस्पिरेटरी पाइप कहते हैं, और उसमें जो एलर्जी होती है उसको नेजो ब्रोंकियल एलर्जी कहते हैं। लेकिन यही एलर्जी जैसे मैंने आपको पहले बताया कि पेड़ की तरह होती है, कि कहीं पे भी इसकी डालियां जा सकती हैं, तो ये अगर ऊपर की तरफ चली गई तो साइनस में चली जाती है। फिर लोग कहेंगे कि मुझे तो हमेशा साइनस का हेडेक रहता है, मैं क्या करूं, मतलब उनको माइग्रेन रहेगा। मैं आपको बताती हूँ, मतलब अब हम लोग ये साइंटिफिक लेक्चर तो है, लेकिन एक सीरियस लेक्चर नहीं, लेकिन बातचीत की तरह मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ कि मतलब ऐसे ऐसे केसेस देखें, जैसे देखिए माइग्रेन का एक बच्चा था, मतलब इतना परेशान, उसका न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन हो गया, उसका एमआरआई हो गया, उसका सब कुछ हो गया, और एक साल तक बच्चा इतना फ्रिक्वेंटली माइग्रेन हो करके और स्कूल जाने से भी ड्रॉप आउट हो गया, और अल्टीमेटली मतलब पता नहीं कैसे उनको ऐसा लगा कि कहीं ये सिर दर्द की जगह जब उसको आंखों में एकदम जलन और लाली होने लगी और होठ सूजने लगे, तो उनको लगा कि एलर्जी के डॉक्टर के पास जाएं। तो जब मेरे पास आए और इन्वेस्टिगेट किया, तो पूरी आंखों की जो एलर्जी थी, लिप स्वेलिंग की एलर्जी थी, और इवन माइग्रेन वाली जो एलर्जी थी, उसका इतना सिंपल कारण निकला कि टमाटो से एलर्जी। तो मतलब मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, और मतलब वो इतना ज्यादा खुश थे वो लोग, उन्होंने फिर प्रेस मीटिंग बुलाई और फिर उन्होंने कहा कि हमको हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमको पब्लिक को अवेयर करना चाहिए कि बच्चे को इतना एक साल तक स्ट्रगल करवाते रहे, और माइग्रेन जैसी चीज जो है वो जरूरी नहीं है कि न्यूरोलॉजी से ही कनेक्टेड हो, न्यूरोलॉजी भी एलर्जी से कनेक्टेड हो सकती है। तो मेरा बताने का मतलब ये है कि ये किसी भी सिस्टम में जा सकती है। ऐसे ही फूड पाइप में जब ये एलर्जी चली जाती है, तो फूड पाइप में भी ऐसे ऐसे इंसिडेंसेस होते हैं कि जैसे आपने कई लोगों ने मिल्क एलर्जी सुना होगा, तो सिर्फ मिल्क ही नहीं, लेकिन फूड एलर्जी एक अलग सब्जेक्ट है, और उसमें ऐसा होता है कि जो भी फूड हमारे अंदर जाता है, हर एक इंसान खाना खाता है, जब बच्चा होता है तो बच्चा दूध पीता है, पहले माँ का दूध पीता है, फिर उसके बाद दूसरा दूध पीता है, फिर उसके बाद में उसको नई नई चीजें इंट्रोड्यूस की जाती हैं, फ्रूट्स या मेवे या कुछ भी, जो भी खाने पीने की चीजें। तो आप ये सोचिए कि जो चीज इतना जबरदस्त आहार है, जैसे नए शिशु के लिए दूध सबसे बड़ा आहार है, लेकिन दूध से भी एलर्जी हो जाती है, और काफी कॉमन एलर्जी है। और उसमें फिर ऐसा नहीं है कि जो फूड से एलर्जी होती है उसके लिए आपको जिंदगी भर के लिए कोई फूड बंद करना पड़ेगा, कुछ एलर्जियां होती हैं जिसमें कि जिंदगी भर के लिए भी बंद होना पड़ता है, लेकिन इनको टेस्ट करने के तरीके बने हुए हैं।
अक्सर क्या होता है कि ये जो फूड एलर्जी होती है ये बचपन में सबसे ज्यादा कॉमन होती है, तो बच्चे सिर्फ पेट दर्द बताना शुरू करेंगे, या बच्चों को रैशेज आना शुरू होंगे, या बच्चों को अक्सर जुकाम रहने लगेगा, बच्चों का गला खराब होगा बार बार में। तो हम लोग अगर उसको आइडेंटिफाई कर लें तो इसका मतलब ये है कि हम सही ढंग से आइडेंटिफाई करें तो हम उसका अच्छे तरह से इलाज कर सकते हैं। लेकिन अक्सर हम क्या करते हैं कि माँ बाप के लेवल पे तुक्केबाजी लगाना शुरू करते हैं, और उसके अलावा आपको पता है कि हिंदुस्तान में पड़ोसी और मिलने वाले और वो सब सबसे बड़े डॉक्टर होते हैं और सबसे बड़े सलाहकार होते हैं, तो कुछ भी कह देते रहेंगे, अरे ये रोक के देख लो, अरे वो रोक के देख लो। मतलब इससे क्या होता है कि इतना कंफ्यूजन हो जाता है लाइफ में कि आप रोज रोज बच्चे के ऊपर नए एक्सपेरिमेंट करते रहते हो कि आज ये बंद कर दिया, आज वो बंद कर दिया, अरे पता नहीं ये तो ये कर गया, अरे अच्छा ये करके देख लेते हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि बच्चों में जब ग्रोथ का टाइम होता है तो हर न्यूट्रिशन की इतनी ज्यादा जरूरत होती है कि हमको ऐसी ग्रोथ के टाइम में तुक्के नहीं मारना चाहिए, क्योंकि जब हमारे पास टेस्ट करने के तरीके बने हुए हैं तो हम तुक्केबाजी छोड़ें और हम उनको अच्छी तरह से एक्सपर्ट की मदद से टेस्ट करवा करके, और जो चीज जितने दिन के लिए बंद करना है उतने दिन के लिए बंद करें, और उसके बाद में जैसे उसको री इंट्रोड्यूस करना है वैसे री इंट्रोड्यूस करें, तो बच्चों की लाइफ कॉम्प्लेक्स नहीं होगी। अदरवाइज तो आपको पता है कि आप चाहे कितना भी परहेज करवा के भेजें, लेकिन अगर स्कूल में जाएंगे तो बच्चे सब लोग एक दूसरे का टिफिन शेयर करते हैं, और फिर छुप छाप छुप छुप करके और कुछ ना कुछ तो खा लेंगे, फिर कोई बच्चे फ्रेंड्स कहेंगे कि अरे कुछ नहीं होता है, आज मेरे उसमें से खा के देख, तो और फिर उसके अलावा अगर मान लीजिए कोई बच्चा स्ट्रिक्टली कहेगा कि नहीं नहीं मेरी डॉक्टर ने मना किया है, मेरी मम्मा ने मना किया है, तो फिर उससे क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं। और जहां तक फूड एलर्जी जो दिखाई नहीं देती उसमें तो फिर भी इतना कॉम्प्लेक्स नहीं, लेकिन जब ये एलर्जी स्किन की एलर्जी बन जाती है तो आप मानेंगे नहीं कि मतलब स्किन एलर्जी वाले पेशेंट्स को तो स्कूल में बच्चे ऐसा मतलब वो करते हैं आउटकास्ट जैसा बिहेवियर, टीचर्स भी उनको बिल्कुल लास्ट वाले बेंच पे बिठा देंगे कि जैसे पता नहीं ये कॉन्टेजियस बीमारी है, कहीं किसी को लग ना जाए, और उससे फिर इतने कॉम्प्लेक्सेज आ जाते हैं बच्चों में। मतलब मैंने अपनी लाइफ में ऐसे बच्चे देखे हैं, ऐसे सिचुएशन देखे हैं कि मतलब एकदम ऑलमोस्ट जैसे साइकियाट्रिक हेल्प लेने के बजाय इतने डिप्रेस हो जाते हैं बच्चे कि हमारे साथ कोई बात नहीं करता, हमारे साथ कोई खेलता नहीं है, मेरे को लास्ट बेंच में बिठा दिया, मेरी स्किन को देख करके कहते हैं ये क्या हो गया, हमको ना लग जाए। तो इस तरह से मतलब मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि किसी भी सिस्टम में एलर्जी आ सकती है, और किसी भी चीज से जो भी चीज हमारे अंदर एंटर होती है किसी के अंदर भी, तो चीजों को शरीर में एंटर होने के 3 ही रास्ते बने हुए हैं। या तो जो चीज हम मुंह में रखते हैं, तो मुंह में हम आपको पता है खाना रखते हैं या दवाइयां रखते हैं, तो दवाइयों में से सारी दवाइयां मतलब एक तरह का आप सोचो कि जिसको ट्रीट करने के लिए दी जाती है वो अमृत की तरह दी जाती है कि भाई उनको मदद होगी, लेकिन उनसे भी एलर्जी हो सकती है। तो एक तो फूड जो मुंह में जाता है वो एक सोर्स हो गया, और दूसरा सोर्स ये हो गया कि जो हमें अभी आप और हम बैठे हुए हैं और हमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा अपने वातावरण में, लेकिन आपको पता है कि हम 1 मिनट में 20 बार सांस ले रहे हैं, और हम तो एडल्ट हैं इसलिए 18 से 20 बार सांस ले रहे हैं, लेकिन जो बच्चे हैं वो 30 से 40 बार सांस लेते हैं। तो जो भी हमारे वातावरण में चीजें हैं जैसे कि फूलों के पराग हैं, जैसे कि थ्रेशिंग डस्ट है, जैसे कि इंसेक्ट पार्टिकल्स हैं, जैसे कि एनिमल डॉग कैट काऊ हॉर्स इन सब के जो डेंडर्स हैं, मतलब ये चीजें इनविजिबल फॉर्म में हवा में मिली हुई होती हैं, और ये ब्रीदिंग पाइप के थ्रू जा करके और हमको एलर्जी कर सकते हैं। और तीसरा होता है कांटेक्ट। कांटेक्ट का मतलब होता है कि जैसे हम रोज नहाते हैं, मालिश करते हैं, कपड़े पहनते हैं, और इवन कभी इस चीज को पकड़ लिया उसको पकड़ लिया, किसी से हाथ मिला लिया, किसी से गले मिल गए, मतलब कुछ भी हो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो भी ये चीजें हमारी स्किन पे लगती रहती हैं, तो वो स्किन के थ्रू भी अंदर जा करके और कॉन्टैक्ट एलर्जेंस का काम कर सकती हैं।
तो ये तीन तरीके होते हैं जिससे कि एलर्जेंस एंटर होते हैं, और जो एलर्जेंस हैं ये हमारे वातावरण में ही होते हैं, या तो बाहर की हवा में भी हो सकते हैं, और इवन इंडोर कि मतलब जैसे हम कमरे में बैठे हैं, हमारे कमरे में मान लीजिए हमारी दीवारें अगर डैम्प हैं, डैम्प का मतलब होता है कि जिनमें सीलन आ रही है, तो आप ये सोचो कि हम कम से कम नहीं तो 8 से 10 घंटे तो कमरे में गुजारते हैं, और स्पेशली आजकल जैसे लॉकडाउन हो गया या कुछ हो गया तो ज़्यादा टाइम वर्क फ्रॉम होम हो रहा है या कुछ भी है, तो ज़्यादातर टाइम हम घर में गुजार रहे हैं, तो ऐसे में अगर हमारी दीवारें पे डैम्पनेस होगी या हमने अपने कमरे में ही बिस्तर के नीचे ही कुत्ते को रखा हुआ है, हमेशा बिल्ली को रखा हुआ है, मतलब आप ये देखिए कि इस तरह के सोर्सेस हैं जो हम अन अवेयर हैं लेकिन हमारे वातावरण में हैं। अब जनरली जैसे हमारा बॉक्स बेड होता है, तो बॉक्स बेड में हम लोग ऐसा सामान रखते हैं जो हम 6 महीने तक नहीं खोलते और फिर उसके बाद में हम अचानक खोलते हैं, लेकिन आप ये देखो कि अगर हम उस बॉक्स बेड पे जिसको एलर्जी की टेंडेंसी है वो सो रहा है, तो 8 घंटे तक उसमें से जो भी कुछ फंगस मान लो वुलन कपड़ों में जमा हुआ होगा या कुछ हो, वो कंटिन्यूअसली ब्रीथ किए जा रहा है। अगर किसी को है टेंडेंसी तो फिर वो उसको इंडोर एलर्जेंस, तो हम सोचेंगे कि पता नहीं कहाँ से हो रहा है लेकिन हमारे घर के अंदर ही सोर्स है। तो इस तरह हम एलर्जेंस को फूड एलर्जेंस में और ब्रीदिंग वाले जो एलर्जेंस है उनमें, ब्रीदिंग वाले जो एलर्जेंस हैं उनमें, इंडोर एलर्जेंस में, आउटडोर एलर्जेंस में, इन सब में डिवाइड करते हैं। और जब हम किसी पेशेंट के बारे में ये जानना चाहते हैं कि उनको किन चीज़ों से एलर्जी हो रही है, तो फिर हम इस तरह से उनसे बातचीत करते हैं कि आप सोचिए कि बातचीत करने में अगर मतलब मेरे जैसे डॉक्टर्स हैं वो 1-1 घंटा भी लगा देते हैं, और हम पेशेंट को समझाते हैं कि आप ये मत समझिए कि हम आपके बारे में इतना ज़्यादा क्यों जान रहे हैं, बिल्कुल जैसे CID की तरह से इन्वेस्टिगेट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम जानना चाहते हैं कि बातचीत के जरिए ही अगर कुछ पता लग जाए कि क्या है। और अगर मान लीजिए फूड एलर्जी भी है तो फूड में भी हम इतनी डिटेल्स जानना चाहते हैं कि आप कौन से कुकिंग ऑयल में खाना बनाते हैं, अच्छा, और आप कौन से मसाले यूज़ करते हैं, क्या आप चाय में अदरक डाल के पीते हो या कौन सी चाय पीते हो, मतलब बहुत ज़्यादा डिटेल में हम लोग जानना चाहते हैं ताकि बातचीत के जरिए पता लग जाए। हम लोग इवन कॉस्मेटिक्स के बारे में जानना चाहते हैं, क्योंकि कई लोग कहते हैं कि जी मैं तो वेजिटेरियन हूँ, मैंने तो कभी कुछ भी नॉन वेज छुआ नहीं, मैं तो राधा स्वामी हूँ, ये हूँ, लेकिन लेकिन देखिए आप देखो कि अगर वो फिश के कैप्सूल्स खा रहे हैं या फिर आजकल जॉइंट में जो कैप्सूल्स आते हैं वो फिश कार्टिलेज के होते हैं, और मान लीजिए किसी को सी फूड से एलर्जी है तो फिर सोर्स तो उनके पास में है, और अगर हमने डिटेल्स नहीं ली तो फिर हम ये सोचते रहेंगे कि ये क्या हुआ। तो ऐसे ही मान लीजिए कॉस्मेटिक्स में कई लोग, हम कहते हैं कि वीट एलर्जी है और पता लगा कि इतने उपटन और इतने पता नहीं क्या क्या लगाए जा रहे हैं कि उनके अंदर वीट है, कि कई क्रीम्स होती हैं जिनके अंदर ग्लूटन होता है, तो कई क्रीम्स होती हैं जिनमें शिया बटर होता है, मतलब ऐसे हमको हम आपको आपसे डिटेल में बहुत ज़्यादा जानकारी लेने की ज़रूरत पड़ती है जिससे कि हम ये जान पाए कि आपके अगर फूड में एलर्जन है तो वो स्पेसिफिकली क्या एलर्जन है। मैं तो साइंस इतना एडवांस हो गया है कि हम बिल्कुल हर चीज़, इवन मसाले में हम ये भी जान सकते हैं टेस्टों के जरिए कि क्या छोटे इलायची से एलर्जी है या काली मिर्च से एलर्जी है, तो ऐसे मतलब बहुत सारी चीज़ें हम जान सकते हैं, सब्जियों से जान सकते हैं, फलों से जान सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स से जान सकते हैं, मूंगफली से जान सकते हैं, और जो कॉमन एलर्जीज हैं जैसे कि गेहूं के एलर्जी की बात चलिए, तो इसमें गेहूं की एलर्जी में ऐसा होता है कि ये भी दो तरह की एलर्जी होती है, एक परमानेंट एलर्जी होती है जिसको सीलिएक डिजीज कहते हैं, उसके बारे में तो लाइफ लॉन्ग प्रिकॉशन लेना ही उसका ट्रीटमेंट होता है, लेकिन एलर्जी जो होती है वो ग्लूटन हाइपर सेंसिटिविटी होती है, उसमें वीट को 1 साल के लिए भी अगर आप बंद करो तो वो ठीक होती है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमें पहले तो ये डाउट करना चाहिए कि क्या मुझे ये बीमारी एलर्जी तो नहीं है, अगर मुझे डाउट है कि एलर्जी है तो इसमें डाउट में दो तीन चीज़ें काम आती हैं, एक तो फैमिली हिस्ट्री ऑफ एलर्जी हो, जैसे कि मान लीजिए मेरे घर में किसी को ड्रग एलर्जी हो गई कि मैंने ये दवाई खाई और मेरे पिताजी इस दवाई से हमेशा बेहोश हो जाते थे या
जो भी था उनको रैश हो जाता था, या मेरी माँ को, या मेरी बहन को, या मेरी मौसी के बच्चों को। तो इस तरह से फैमिली में कोई एलर्जी, या मेरे घर में किसी को लिप स्वेलिंग, फटाफट कुछ भी टच कर रही हो जाएगी। इस तरह की जो फैमिली हिस्ट्री ऑफ एलर्जी लेना बहुत जरूरी है। तो अगर मान लीजिए ऐसी जेनेटिक ससेप्टेबिलिटी होती, तो हमें सोचना चाहिए कि चाहे वो कितनी फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स नहीं हो, लेकिन फिर भी ऐसे हो सकता है। और इसीलिए आपको मालूम है कि सस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि 30% जितना इंस्टेंस, 30 से 35%, ये कोई कम नहीं होता। तो और दूसरे जो सिम्टम्स हमारे हैं, जिनको आप बिना मतलब रोज रोज एंटीबायोटिक दे करके सालों साल ट्रीट करे जा रहे हैं, तो उन पे ध्यान दीजिए कि कहीं ये एलर्जी तो नहीं है। क्योंकि क्या फायदा इतना एंटीबायोटिक अब्यूज करना, क्योंकि देखिए इन्फेक्शन एक बहुत अलग चीज है। इन्फेक्शन का इलाज एंटीबायोटिक से होगा, वो भी अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुए तो। वायरल इन्फेक्शन हुआ तो उनमें भी एंटीबायोटिक नहीं चाहिए। और एलर्जी में तो एंटीबायोटिक का कोई रोल है ही नहीं। एलर्जी में तो सिर्फ सब कुछ आपके हाथ में है। अगर एक बार आपको ये पता लग गया कि मुझे इस चीज की एलर्जी है, तो फिर बस प्रिकॉशन करना है, और उसके बाद में उसको कैसे अपनी जिंदगी में दोबारा लाना है, इतनी सी बात है। मतलब बहुत मैथमेटिकल कैलकुलेशन जैसा सब्जेक्ट है एलर्जी, लेकिन इसमें मतलब ये है कि एक्सपर्टीज बहुत कम है, तो इसलिए लोग परेशान होते रहते हैं। लेकिन लोगों को अवेयरनेस बढ़ाना चाहिए। और जब एक बार एलर्जी के बारे में पता लग गया, तो आपको उसको सीवियर एलर्जी बनने से रोकना भी आपके हाथ में है। जैसे कि नेजल एलर्जी मान लीजिए हो गई, तो नेजल एलर्जी के बारे में आप उसी लेवल पे ध्यान दीजिए ना। ये मत सोचिए कि क्या हुआ, जुकाम ही तो है, रोज ये यूज कर लो। और आजकल तो आपको पता है लोग वैसे भी बहुत सेंसिटिव हो गए हैं कि कोविड में मतलब गला खराब होना, ये जुकाम होना, फीवर होना, ये सब हो रहा है। तो लोग कंफ्यूज भी करते हैं कि कहीं कोविड तो नहीं हो गया है। तो अच्छी बात है, कंफ्यूज करते हैं तो टेस्ट करा करके और कोविड रूल आउट कर सकते हैं। लेकिन कोविड तो चलिए शॉर्ट टर्म बीमारी है, एलर्जी तो ये है कि कितने सालों से चलता रहता है, और हर सीजन में रिकर होता है। तो अपने आप को भी पता लग जाता है कि भाई ये एलर्जी है और मैं इस पे ध्यान दूं। अच्छा, तो नेजल एलर्जी में भी आपको लगातार ट्रीटमेंट करना चाहिए। नेजल एलर्जी कहने के लिए बहुत सिंपल लगती है, लेकिन जिनको होती है ना, उनको मालूम है कि वो कितनी सिवियर होती है। आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। एक बहुत यंग आदमी मेरी क्लिनिक में बिल्कुल एक अखबार लेकर के और वॉक इन हुआ, और इतने गुस्से में। मैंने कहा कि आप इतने नौजवान हो और आज को इतना गुस्सा क्या हो रहा है? तो कहता है कि आप पहले ये बताओ मुझे कि क्या आपके पास मेरा इलाज है? ना कोई अपना इंट्रोडक्शन, ना कुछ, और इतना गुस्से में। मैंने कहा कि पहले एक बार बैठ जाइए। नहीं, मैंने आपका अखबार में ये आर्टिकल पढ़ा है, और आपने इतना बड़ा आर्टिकल लिखा है संडे ट्रिब्यून में, नहीं वेडनेसडे ट्रिब्यून में, हेल्थ ट्रिब्यून में, और मैं तो ये है बस में सफर करके जा रहा था और मैंने पढ़ा, तो मैंने कहा कि मैं यहाँ पे रुक जाता हूँ और जरा ये डॉक्टर से भी मिल लूँ और ट्राई करूँ कि देखे मेरा क्या हो सकता है। तो मैंने सोचा कि कोई सचमुच में बहुत परेशान है बेचारा, तो मैंने कहा कि आप बैठ जाओ और अपने बारे में बताओ कि क्या करते हो। कहता है करता क्या हूँ, करता था स्कूल में टीचर था, और अब रिजाइन करके और जा रहा हूँ। तो मैंने कहा रिजाइन करके क्या हो गया, किसी से झगड़ा हो गया? झगड़ा नहीं हुआ। इतनी ज्यादा नेजल एलर्जी होती है कि आप क्या सोचोगे कि रुमाल की जरूरत पड़ती है, इवन अंगोछे भी कम पड़ जाते हैं। और बच्चे जो है स्कूल में जब पढ़ाने लगता हूँ तो मजाक बनाना शुरू करते हैं। तो नौकरी से रिजाइन कर दिया और जा रहा हूँ हरिद्वार, और रास्ते में चंडीगढ़ आया, तो फिर इसलिए मैंने अखबार मिल गया, तो मैंने सोचा कि रुक करके वो करता हूँ। तो मैंने कहा हरिद्वार में क्या करोगे? तो कहता है कि पिताजी की परचूनी की दुकान है, उसी में बैठ जाऊंगा। मैंने कहा आप PhD पढ़े लिखे और इतने अच्छे स्कूल में टीचर हो, सनार में टीचर था वो, तो और आप परचूनी की दुकान करोगे? तो मैंने कहा कि देखो हमारी पढ़ाई लिखाई पे धिक्कार है अगर हम आप जैसे नौजवानों को एलर्जी की बीमारी से इतना निराश करें। तो आप इतने परेशान मत हो, लेकिन मेरी सलाह है कि इतनी जल्दी में कुछ भी नहीं हो सकता, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगी। आप सबसे पहले जाके धर्मशाला ले लो, और बस के बीच में ये इलाज नहीं हो सकता, तो प्लीज मेरी बात मानो। फिर मैंने अपने असिस्टेंट को कहा कि आप जरा इधर 15 सेक्टर में इसको कोई धर्मशाला वगैरह दिला दो। तो उसको वो कोई निरंकारी भवन है, वहां पे जगह मिल गई।
मतलब तू करते स्टोरी शॉर्ट, फिर उसने 2-3 दिन तक रुक करके और अपना अच्छी तरह टेस्ट वेस्ट सब कुछ कराया, और फिर कहने लग गया कि हाँ कुछ उम्मीद दिख रही है, तो मैं अभी हरिद्वार नहीं जाता और रुक जाता हूँ 10 दिन यहीं पे, आप जितने दिन कहो। मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं, आप जाओ अपने इलाज करते करते घर वालों से मिलके और फिर वापस आ जाओ, क्योंकि थोड़ा टाइम तो फॉलो अप करने में लगता है। तो फिर वो वापस आ गया, लेकिन उन दिनों में उस स्कूल के प्रिंसिपल का बेटा मेरे पास ट्रीटमेंट के लिए आता था, तो वो हमेशा मुझे पूछते थे कि आप मुझे कभी कोई काम बताओ। तो मैंने अचानक उनको फोन कर दिया कि आपके यहाँ पे सो एंड सो टीचर काम करता है, तो उन्होंने कहा कि हाँ आप कैसे जानते हो, उन्होंने तो रिजाइन दे दिया, वो तो चले गए। मैंने कहा मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप उनका रेजिग्नेशन लेटर अपने टेबल पे रखे दो, आपको अभी प्रोसेस नहीं करो। वो कहते हैं क्या हुआ, मैंने कहा कि आप 15 दिन आप प्लीज मुझे दे दो, फिर मैं आपको बताऊंगी कि क्या हुआ। तो जब वो वापस आया अपने हरिद्वार में पिताजी पिताजी से मिलके, तो ये वाज सो गुड कि मैं आपको बता नहीं सकती। वो इतना खुश था, और जितना मतलब अग्रेसिव होके आया था उतना ही खुश होके, और कह रहा है कि चलिए ये बहुत अच्छा हुआ, नौकरी गई तो कोई बात नहीं, कुछ और मिल जाएगा, लेकिन बिला इलाज तो हुआ। तो मैंने उसको कहा नौकरी नहीं गई है, आप इलाज का पर्ची लो, दवाइयाँ खरीदो और अपने स्कूल वापस जाओ। तो ही वॉज सो हैप्पी कि मतलब कोई मेरे लिए इतना भी कर सकता है। मैंने कहा कि कहता है कैसे हुआ, मैंने कहा नहीं आपके जो हेडमास्टर है उनके साथ मेरी जानकारी थी, तो मैंने उनसे बात की थी, तो उन्होंने आपकी नौकरी सुरक्षित रख रखी है, और मतलब अभी भी वो टीचर। मैं आपको सिर्फ ये स्टोरी इसलिए नहीं कि अपनी कोई तारीफ कर रही हूँ, लेकिन मैं ये बताना चाहती हूँ कि एलर्जी इस लेवल तक परेशान कर सकती है। तो मतलब उसके लिए हमको प्रोएक्टिव होना है कि भाई कुछ भी हो हमें इसका समाधान निकालना ही है। तो नेजल एलर्जी को भी इतने ज्यादा उसमें मत लीजिए, और नेजल एलर्जी का अगर नेजल एलर्जी के लेवल पे इलाज करेंगे तो वो एस्थमा बनने से रुकेगी। अक्सर लोग क्या करते हैं कि जैसे ही थोड़ा सा ठीक होते हैं तो इलाज रोक देते हैं। मतलब मैं तो आपको ये बताना चाहती हूँ कि इवन जब एस्थमा बनता है, एस्थमा क्या होता है, एस्थमा देखिए लोग आएंगे और कहेंगे कि सबसे पहले तो एस्थमा के नाम से ही डरेंगे, पहले मुझे ये बता दो कि मेरे को दमा तो नहीं है ना। तो हम लोग कहेंगे कि भाई देखो आप दमे का वो पिक्चर लेके क्यों चल रहे हो, कि जब आपने पुराने जमाने में देखा था कि कोई बुजुर्ग खाट पे बैठे हुए हैं और मतलब दम लेने के लिए भी परेशान हो रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं और बस खाट पकड़ के और लेटे हुए हैं, ऐसा नहीं है ना आजकल दमे का पिक्चर। दमा मतलब कोई बात नहीं है, रेस्पिरेटरी पाइप, जैसे आपके घरों के अंदर पाइप होती है घर में एक, देखिए मैं आपको सब जो मैं पेशेंट को भी समझाना चाहती हूँ वही मैं आपको बताती हूँ कि जैसे हमारा घर है तो हमारा घर एक स्ट्रक्चर है, तो मैं ये कहूँ कि मेरा घर तो इतना फर्स्ट क्लास मार्बल ग्रेनाइट और ये वाला पेंट वो वाला पेंट और क्या शानदार आलीशान बना हुआ है, लेकिन अगर मेरे घर में पानी की पाइप ब्लॉक हो जाएगी तो क्या मेरा आलीशान घर क्या काम आएगा? पानी की पाइप का इलाज तो पानी की पाइप को ही इन्वेस्टिगेट करके होगा ना। तो पानी की पाइप का जब आप खुद स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेट करोगे कि हाँ ये ब्लॉक है, इस चीज ने ब्लॉक किया है, तो आप उसका समाधान ढूंढ सकते हैं। तो इसी तरह से हमारी जो बॉडी है उसमें फेफड़े हैं, लंग्स जिनको कहते हैं, उनके अंदर ब्रीदिंग पाइप्स बनी हुई हैं। तो हम वो नाक की से शुरू होकर के और फिर दोनों फेफड़ों में जा करके और बहुत सारी उसकी डिविजन्स बन जाती हैं, लेकिन उनका कैरेक्टर हमेशा ट्यूब रहना चाहिए कि एक बार हम सांस लेते हैं तो वो ट्यूब में जैसे हवा जाती है आराम से वो जाए, और फिर ट्यूब में हवा जो हमें नहीं चाहिए, फेफड़े गंदी हवा बाहर फेंकना चाहते हैं, वो वापस आ जाए। तो उसका कैरेक्टर ट्यूब रहना चाहिए, लेकिन एलर्जी की वजह से जब उस ट्यूब में ब्लॉक आ जाते हैं तो फिर हमको हमारे लंग्स को उस हवा को बाहर फेंकने के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है, और वो जी स्ट्रगल ही ब्रेथलेसनेस है, वो स्ट्रगल ही कॉफ है, वो स्ट्रगल ही हमारे को मतलब हाँफना और परेशान बैठना लेक्चर में, मतलब हमको एकदम रुक जाना, हंसते हंसते हमको एकदम ऐसा लगना कि नहीं नहीं सांस नहीं आ रहा, खांसी छिड़ जाना। तो ये जी सारी जो स्ट्रगल है ये मतलब एस्थमा के सिम्टम्स होते हैं। जी तो मैम,
क्या हम आपने हमें बहुत सारी ऐसी बातें बता दी, और मेरे पास चैट में बहुत सारे प्रश्न आ भी गए हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी जितनी जानकारी हमें मिल चुकी है उस पर भी काफ़ी सारी चर्चा की ज़रूरत है। तो हम क्या ऐसा करें कि बीच में थोड़े से प्रश्न ले लें और फिर उसके बाद नहीं, थोड़ा। पहले पहले मैं ये जो एस्मा वाली बात पे एक बहुत जरूरी बात बताना चाहती हूँ, वो सुन ले, उसके बाद हम हाँ और तो कुछ बातें खास करने की हैं भी। जी, आप जैसे आप ठीक मैं समझेंगे मुझे बता दीजिएगा, सो दैट वी कैन कैरी ऑन विथ। ठीक है, मैं सिर्फ इतना बताऊंगी कि ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है कि ये एक पाइप्स की बीमारी है, इसमें आपके फेफड़ों को कुछ भी नहीं हुआ है ना। तो लोग क्या करते हैं कि एक्सरे करवाएंगे, सीटी स्कैन करवाएंगे, एमआरआई कराएंगे, और फिर उन पिक्चर्स को ले लेकर इतने हजारों रुपए खर्च के और हाथ में लेके घूमते रहेंगे कि इनमें तो कुछ भी नहीं आया, हुआ क्या। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि आप अगर एक पेन का फोटो लें तो आप पेन के फोटो में क्या देखेंगे, उसका शेप देखेंगे, साइज देखेंगे, कलर देखेंगे, लेकिन क्या आप फोटो देख के ये बता सकेंगे कि उसके अंदर रिफिल काम कर रहा है या नहीं कर रहा, या उसका रिफिल सूखा है या नहीं, या उसका रिफिल लाल है या नीला है। तो ये सिचुएशन ऐसी है, ये सीटी स्कैन में, एमआरआई में, एक्सरे में, किसी में आने वाली बीमारी नहीं होती है। इसकी जानकारी आपको खुद है, आपकी सांस में रुकावट आना, आपको ब्रेथलेसनेस हो जाना, आपको ऐसा लगना कि मैं लेक्चर दे रही हूँ लेकिन मेरे लास्ट के सेंटेंसेस गायब हो रहे हैं, मैं हंस रही हूँ लेकिन हंसते हंसते मेरे को खांसी चिढ़ रही है, मैं बहुत सी सीढ़ियां चढ़ रही हूँ लेकिन बीच बीच में मुझे ब्रेक करना पड़ रहा है। तो इस तरह के जो सिम्टम्स होते हैं तो वो शुरू के अर्ली सिम्टम्स होते हैं, जिसको कि एग्जर्शन इंड्यूस्ड एस्थमा कहते हैं, और जब हम इनको निग्लेक्ट करते हैं तो उसके बाद में ये ऐसा हो जाता है। तो इसके इलाज वो सब नहीं है जो आप कह रहे हैं, लेकिन इसका इलाज ये है कि ये सांस की नलियां हैं, उसका इलाज है। और सांस की नलियों के इलाज के लिए अगर इसको हम एस्थमा लेबल दें तो आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरे को कुछ ऐसी भयंकर बीमारी हो गई कि अब इसका क्या होगा, इसका नाम है, इसमें क्या हुआ है। तो बीमारी ट्यूब्स की ना, और ट्यूब्स जैसे आप अपने घर में पाइप्स को ठीक कराते हो, ऐसे आपको सांस की नलियों को भी ठीक करना है। और सांस की नलियों को ठीक करने के लिए आजकल साइंस ने बहुत तरक्की करके इनहेलर्स नाम के डिवाइसेस को निकाला है, जिससे कि जो दवाई है वो डायरेक्टली सांस की नली में जाती है और जहां हमें इफेक्ट चाहिए वहीं करती है। लेकिन देखा गया है कि पब्लिक इतना ज्यादा डरती है, पहले तो एस्थमा नाम से डर जाएगी और उसके बाद में इनहेलर लिख दिया तब तो उनको बस अब ये क्या हो गया, इनहेलर मेरे पल्ले पड़ गया, इससे तो मुझे एडिक्शन हो जाएगा, प्लीज इससे बचा लो, मतलब इतने सारे। और फिर अगर मान लीजिए लेना भी पड़ा तो बस उतना सा ही लेंगे जितना सा उनको सांस आने लग जाए, ये नहीं सोचेंगे कि आफ्टर ऑल रिपेयर के लिए भी तो टाइम चाहिए ना। आप अपने घर में पेंट करते हो, आपको एक टाइम टेबल बनाना पड़ता है और आप फिर सोचते हो कि सुबह शाम करके एक महीने में खत्म होगा। अरे सांस की नलियों का इतना बड़ा जाल है, उसमें अगर आपने इनहेलर के पाउडर को सुबह शाम चला करके अगर रिपेयर कर लिया तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। आपको तो साइंस को धन्यवाद देना चाहिए कि ऐसी कारगर दवाइयां निकाली हैं जो सांस की नली में डायरेक्ट जा रही है। आप मुंह से अगर गोली लेंगे तो उसको जहां नहीं चाहिए लिवर में भी जाएगी, किडनी में भी जाएगी, ब्रेन में भी जाएगी, हार्ट में भी जाएगी, और फिर उसके बाद कुछ ही अंश लंग्स में जाएगी ना। तो ऐसी सारी जो समस्याओं को दूर करने के लिए साइंस ने तो इनहेलर निकाल दिया और आप लोग उनसे डरे जा रहे हो। तो इसलिए मुझे लग रहा था कि ये पॉइंट मुझे बताना बहुत जरूरी है कि अगर एलर्जी हो गई है तो उसको एक्सेप्ट करिए, अगर एस्थमा हो गया है तो उसको होने से बचाइए, आगे बढ़ने से बचाइए, क्योंकि एक्सेप्ट करिए। अगर इनहेलर एडवाइस कर दी है तो उसको एक्सेप्ट करिए, क्योंकि वो टेम्प्रेरी ही रहेगा अगर आप उसको इफेक्टिवली यूज करेंगे तो। लेकिन इसमें भी ऐसा नहीं कि इमरजेंसी में यूज करना है, इमरजेंसी में यूज करने वाले अलग सॉल्ट आते हैं और जो एकदम रिपेयर करने वाले हैं वो अलग सॉल्ट आते हैं। तो ये मतलब मोटी मोटी बातें मैंने आपको बताया कि ये सब करना है रेस्पिरेटरी एलर्जी में, स्किन एलर्जी में, फूड एलर्जी में, बच्चों की एलर्जी में, इन सब में हमें आइडेंटिफाई करने के तरीके बने हुए हैं, तो हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि स्किन का इलाज स्किन के ऊपर क्रीम लगाने से हो जाएगा, उसका भी अगर रूट कॉज पता लगेगा तो फिर उसका इलाज होगा। तो इसी तरह से रूट कॉज को जानना और उसकी तरफ काम करना ये बहुत जरूरी है। और मतलब एलर्जी में जैसे अगर मान लीजिए किसी को लिप की स्वेलिंग, आंखों की स्वेलिंग, ये सब होने लगे तो उनको सीरियस समझना चाहिए।
क्योंकि ये स्वेलिंग्स बॉडी हमको ये इंडिकेट कर रही है कि अगर आपकी ब्रीदिंग पाइप में स्वेलिंग आ गई तो फिर इसका मतलब आपको फिर डॉक्टर भी कई बार नहीं बचा पाएंगे। तो इसलिए इन सबसे आप थोड़ा जागरूक रहिए, डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये जागरूक रहने की जरूरत है कि इन सब के लिए तरीके बन गए हैं और डॉक्टर्स आपको हेल्प कर सकते हैं अगर आप जागरूक रहें और आप प्रोएक्टिव होकर अपना इलाज करें। अच्छा, अब आप बताइए चैट के क्वेश्चंस में क्या आप अहमियत दे के पूछना चाहते हैं? अरुण जी जी मैम, हाँ बताइए मैम सबसे किससे। पहले तो जितनी भी आपने बातें बताई बड़ी ही एक्चुअली बहुत ही काम की हमारे, और जो हमारा पर्पस था आज की इस बातचीत को शुरू करने का वो बहुत हद तक अजीब ऑलरेडी हुआ है कि आपने ना सिर्फ हमें अवेयर किया है कि जो एलर्जी या अस्थमा, अस्थमा के नाम से जो लोग डर जाते हैं, बहुत सारे प्रश्न हमारे पास आते थे अस्थमा के ऊपर भी, खास तौर पे जो माँ बाप हैं जो बच्चे को अस्थमेटिक जब देखते हैं तो उनको बड़ा ही प्रॉब्लमेटिक पार्ट हो जाता था। तो आज आपने बड़ा क्लैरिटी से बताया है कि ये भी आम बीमारियों की तरह एक बीमारी हो सकती है और इसका इलाज भी है। तो पहले जब नहीं हुआ करता होगा तब दमा अल्लाह की मर्जी जब कहते थे तब दमा की बात अलग हुआ करती थी, आज में तो आप बकायदा बल्कि इलाज से भी पहले आपने हमें ये बताया कि उसको प्रिवेंट भी कर सकते हैं। ये तो एक बड़ी ही कमाल की बात बिल्कुल है कि बिल्कुल एलर्जीज को, जिसको पता लग गया कि मेरे को एलर्जी इस सीज़न में होती है तो उससे पहले ही आपसे संपर्क करे या अपने प्रिवेंशन के ऊपर ध्यान दे तो वो सफल हो सकता है। तो अब मैं चैट में कुछ जो ऑब्जर्वेशन है उनको पढ़ता हूँ और उसके बाद हाँ फिर कुछ जानकारियाँ और भी आपसे हमें लेनी है आज इस सेशन में उसके ऊपर आएंगे। तो सबसे पहले तो जो मैंने अपनी ऑब्जर्वेशन लिखी थी पहले, मैं क्योंकि मैंने लिखी थी तो मैं अपनी ऑब्जर्वेशन पे आता हूँ। तो जैसे एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ सभी के साथ, मुझे दो चीज़ों से खास तौर पे एलर्जी, और मुझे पता लग जाता है कि ये बहुत सालों बाद मुझे मतलब धीरे धीरे करके अपने आप पे वर्कआउट करके हो गया। एक खास किस्म के ग्राउंड नट्स हैं, अगर मैं वो खा लूँ मुझे तुरंत हो जाएगी, और एक पेस्ट्री होती है अगर उसके नीचे वाला ब्राउन वाला पार्ट अगर मैं खा लूँ तो मुझे हो जाती है। अब उसमें यीस्ट की वजह से होती है या किस वजह से होती है वो मुझे नहीं पता, बट वो एक खास हिस्सा है कि अगर ब्राउन वाला खा लूँ तो मैं हो जाती है। तो मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है साथ में कि जैसे डॉक्टर साहब ने भी बताया, आइडेंटिफिकेशन, अवेयरनेस इज़ द की पार्ट। तो वो अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है, और कैसे होती है बहुत डिटेल में भी जाना पड़ता है, क्या रूटीन में करते हैं कैसे है उसके ऊपर बातचीत होती करनी चाहिए हमें। और अदिति जी ने उसके बाद एक सवाल पूछा है मैम योगा के ऊपर। अच्छा, मैं पहले आपने जो बात कही थी ना उसके ऊपर एक बात जी बताना जी बताइए चाहती हूँ। बताइए बताइए। देखिए, मैं ये बताना चाहती हूँ कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमको मतलब एकदम एज ए जनरल रूल भी एलर्जी में हम फॉलो कर सकते हैं फूड में। फॉर एग्जांपल, आपने वो जो बात बताई ना कि क्या बोलते हैं ये जो पेस्ट्री वाला, तो जी 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 मैं ये कहती हूँ कि जनरली आर्टिफिशियल फूड कलर्स, आर्टिफिशियल फूड कलर्स जैसे बच्चे ये सब क्या वो लाल पीली गोलियां, लॉलीपॉप और क्या क्या जैम्स और ये सब खाते रहते हैं, और इवन जो कई चीजें जो है, मान लीजिए हम मिठाई खाएं तो हम रसगुल्ला क्यों नहीं खा सकते, क्योंकि वो सफेद है तो अच्छी बात है, लेकिन इतनी सारी कलर्ड चीजें होती हैं उनमें तो आर्टिफिशियल कलर्स ही होते हैं, कौन से प्योर कलर होते हैं। सिमिलरली आप आइसक्रीम्स खाते हैं तो उसमें आप वेनिला खा लो, वो चलो आर्टिफिशियली कलर्ड नहीं होती। तो इस तरह के अवेयरनेस, इवन टूथपेस्ट, मतलब आप सोचो टूथपेस्ट भी मुंह में जब जाता है तो कितना उसका माउथ में के थ्रू एब्जॉर्प्शन होता है। तो जैसे लोग रेड कलर का, ब्लू कलर का, ये सब बच्चों के लिए बनाई हुई है, इंडस्ट्री तो अपने लिए बच्चों को अट्रैक्ट करती है एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, लेकिन एज ए पेरेंट्स हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम ऐसी आर्टिफिशियल कलर्स की चीजें नहीं एक्सपोज करें, और जिनको एलर्जिक टेंडेंसी है उनको प्रिजर्वेटिव्स वाली चीजें, और इवन फ्रिज में रखा हुआ बहुत ऐसा खाना जो हम सोचते हैं ना कि कोई बात नहीं है, अच्छा लग रहा है और कल खा लेंगे, तो ज्यादातर हो सकता है फ्रेशली कुक्ड खाना खाना चाहिए। तो ये एक जनरल रूल है जो हमको मतलब फॉलो करना चाहिए। और जब आपने पीनट एलर्जी की बात की ना, तो पीनट एलर्जी तो हमारे देश में फिर भी इतनी समस्या नहीं है, लेकिन दूसरे देशों में तो इतनी ज्यादा समस्या है कि आपको पता है ना, कई बार तो फ्लाइट्स में सबके लिए पीनट देना बंद कर दिया, क्योंकि उनके जो है ना एरो एलर्जेंस, जरूरी नहीं कि जो खाए उसी को हो, इवन हवा में भी अगर उसके उड़ेंगे तो जो सेंसिटिव है उनको अटैक हो सकता है। और बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि कई लोग ना जैसे कार्ड्स खेलते हैं, तो एक जेंटलमैन आए मेरे पास, कहते हैं कि कार्ड रूम में जाता हूँ तो एलर्जी हो जाती है, और जबकि आपको पता है कि मैं तो मतलब क्या बोलते हैं, पीनट को छूता तक नहीं हूँ, जो मेरे वो है साथ वाले लोग बस वो खाते रहते हैं। तो मैंने उनको कहा कि आप इमेजिन करो कि जो कार्ड्स को जब शफल करते हैं तो उसी हाथ से वो लोग पीनट उठाते हैं, पर
और वो थूक लगा करके और कार्ड्स को तो करते हैं ना, तो फिर वो आपके कांटेक्ट में आता है, तो उससे आपको एलर्जी होती है, तो मतलब पीनट एलर्जन निकला। तो मतलब इस लेवल तक हमको आइडेंटिफाई करना पड़ता है ये। जी जी तो पीनट एलर्जी एक है समस्या, और अगर किसी को आइडेंटिफाई हो जाए तो फिर उनको ना करीब 10-12 साल तक पीनट जी चेंज जी जी करता है, आपने बहुत वैसे ही है। काम के पॉइंटर्स बताए, फ्रिज में खाने की बात आपने बताई और खास तौर पे जो कलर्स की आपने बात बताई, ये बहुत ही काम की बात है। बड़ा ही डायरेक्ट इंडिकेशन है सभी सुनने वालों के लिए, देखने वालों के लिए, कि जो भी चीज़ में कलर होता है तो कलर्स तो आर्टिफिशियल तरीके से ही डाले जाते हैं, प्रिजर्वेटिव जो होते हैं डेफिनेटली उनसे हमें दूर रहना चाहिए और फ्रेशली कुक्ड फूड के ऊपर ही ध्यान देना चाहिए। तो एक बड़ा ही अहम सवाल यहाँ अदिति भारद्वाज जी ने भी पूछा है योगा के ऊपर, कि क्या योगा से भी एलर्जीज का क्योर हो सकता है? देखिए, योगा योगा नहीं, पहले मैं उसको योग कहना चाहूंगी। तो योग तो एक ऐसी पद्धति है जिसमें बीमार हो या नहीं हो हमको मतलब योग करना चाहिए, और योग करने से हमारा सिर्फ ब्रीदिंग पाइप वाला सिस्टम ही नहीं, लेकिन सारे सिस्टम्स और इवन दिमाग सब कुछ बहुत अच्छा होता है, क्योंकि एंडोर्फिन्स नाम के जो हार्मोन सिक्रेट होते हैं जो हमको खुश रखते हैं, और जनरल सर्कुलेशन बढ़ना, मतलब तो बहुत सारे अनगिनत फायदे हैं योग के। तो योग में ऐसा होता है कि आप रोज के रूटीन में आप योग करते रहें तो आपको फायदे ही फायदे हैं। पर जैसे लोग क्या करते हैं कि जिनको कुछ भी आदत नहीं होती और जब अस्थमा का अटैक हुआ तो फटाफट जोर जोर से प्राणायाम करना शुरू कर दिया, तो मतलब दैट इज नॉट द वे नो, बिकॉज आप फिर एग्रेसिव हो जाते हैं और ब्रीदिंग की तो प्रॉब्लम आपको ऑलरेडी हो रही है, और आप अपना जो है ब्रेथ को वो करना शुरू करते हैं। तो मतलब उसमें हम समझाते हैं कि आपको कब करना है, जब आप कंट्रोल की स्टेज में आ जाते हैं तो उसके बाद में आपको ग्रेजुअली ऐसी जो ब्रेथ रिलेटेड योग है जैसे प्राणायाम, उनको करना चाहिए। बाकी तो मतलब फिजिकल आसन वाले जो योग है वो तो हमेशा ही करते रहना चाहिए, क्योंकि आसन वाले योगों से तो जनरल सर्कुलेशन, जनरल फ्लेक्सिबिलिटी ये सब बढ़ती है। तो योग बहुत अच्छी चीज है, लेकिन इसको अकेले को क्योर नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये हमारी एवरीडे लाइफ में जैसे हम खाना जरूरी है, सांस लेना जरूरी है, ऐसे योग भी एक जरूरी साधना है, ये कहना चाहूंगी मैं। जी बिल्कुल, और जो योग के बारे में आपने बातें बताई हैं डेफिनेटली वो सभी को करना चाहिए। और उसके बाद एक चीज़ हाँ, हम पर योग के साथ एक चीज बता दूं, जो लोग क्या करते हैं कि जब नेजल एलर्जी होती है ना तो वो नेति करना शुरू कर देते हैं, तो फिर क्या होता है कि एक तरह एक बार तो हम एक तरफ तो हम अपने नाक के स्प्रे दे करके उनकी इन्फ्लेमेशन को ठीक करना चाहते हैं, दूसरा वो क्या करते हैं कि फट से नेति करके और वो जितनी भी दवाई होती है उसको नेति के थ्रू बहा देते हैं, फिर उनका असर नहीं होता, फिर कहते हैं अरे हमने स्प्रे लिया और देखिए कुछ भी नहीं हो रहा। तो मतलब ऐसे ढंग से सब कुछ करना अच्छा होता है, और सलाह से सब कुछ करना अच्छा होता है, और ऐसे नहीं होता कि जब हो गया तो फिर बस हर कुछ 100% से क्या 200% कर लो और सोचते रहो कि पता नहीं कौन सा जादू हो जाए मुझको, तो मतलब सभी ये चीज़ों मतलब एक साथ मेरा। ही आजमा देना करने के लिए, वो नहीं करना चाहिए। जी उसके बाद मैम एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो हमसे लगातार स्कूल में भी पूछा गया, और जितने भी लोगों से जब भी हम लोगों ने कोई हेल्थ की बातचीत करना शुरू की उस समय भी ये बातचीत ज़रूर उठी, बड़ों में तो खास तौर पे हमारे कुलीग्स में तो ये बात बहुत ही ज़्यादा उठती है, जो एंटी एलर्जिक मेडिसन्स हैं जो चाहे वो किसी भी पद्धति में आती हैं, तो उसके बारे में हमें थोड़ा और जानकारी और अवेयरनेस चाहिए कि एंटी एलर्जिक मेडिसिन लेनी चाहिए, अपने आप ले लेनी चाहिए, प्रिस्क्राइब करनी चाहिए, क्या उसका लगातार यूज़ हानिकारक है, क्या उसके कोई साइड इफेक्ट्स हैं, लॉन्ग टर्म में वो क्या असर डालती हैं अगर कोई एंटी एलर्जिक मेडिसिन्स लेता है? अच्छा, आपने अच्छा सवाल पूछा है। देखिए, जो एंटी एलर्जिक मेडिसिन्स होती हैं वो एलर्जी के इफेक्ट को ट्रीट करने के काम आती है, जैसे कि एलर्जी के इफेक्ट की वजह से आपको खुजली हो गई बहुत सारी, आपको रैश हो गई, आपको नाक इतना बहरा है कि आप कोई लेक्चर देने जा रहे हैं लेकिन कुछ नहीं कर पाएंगे, आपको स्किन में इतनी खुजली होगी कि आपकी स्किन क्रैक होगी तो फिर उसके अंदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन घुस जाएंगे। तो इन सब चीजों को जो आप कंट्रोल करना चाहते हैं, जो सिम्टम्स एलर्जी के वजह से हुए हैं उन सिम्टम्स को कंट्रोल करना भी जरूरी होता है ना, तो नहीं तो फिर उसमें सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशंस हो जाएंगे, तब हमको एंटी एलर्जिक मेडिसिन्स की जरूरत होती है। क्योंकि क्या होता है कि एलर्जन से एक हिस्टामिन नाम का केमिकल सिक्रेट करते हैं और बहुत सारे और केमिकल्स, तो उन केमिकल्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए एंटी एलर्जिक मेडिसिन काम आती है। तो इसको क्योर नहीं समझना चाहिए, लेकिन इसको एक सिम्टोमेटिक
ट्रीटमेंट समझना चाहिए। और इसमें भी ऐसा होता है कि ये नहीं होता है कि जो मर्जी आप चने मूंगफली की तरह खाते रहो, ऐसा नहीं होगा ना कि आपको पता, मतलब डॉक्टर आपको बता देंगे कि आपको किस तरह से, किस टाइम सिम्टम रिलीफ की जरूरत है, कौन से सिम्टम रिलीफ की जरूरत है, वो डॉक्टर अपने आप असेस करेंगे आपके अंदर कौन से केमिकल्स हो रहे होंगे, जिनके लिए कौन सी दवाई कारगर होगी, कितने दिन तक होगी, कितनी डोज में होगी, 8 आवरली लेना है या 1 से डे लेना है, 120 मिलीग्राम लेना है या 180 मिलीग्राम लेना है, तो ये सब डॉक्टर डिसाइड करेंगे। और दूसरी बात ये कि प्रेगनेंसी में ये सब दवाइयाँ सेफ नहीं होती हैं, या फिर जो लोग कंसीव करना चाहते हैं तो उनके लिए भी सेफ नहीं होती है। तो मतलब ऐसे हर एक दवाई को लाइटली नहीं ले, चाहे वो एंटी एलर्जिक कहलाती है, मतलब अगर डॉक्टर चाहें तो वो सालों साल भी नहीं जा सकती, लेकिन अब वो डॉक्टर की मतलब डिस्क्रिशन पे है कि वो कितने डोज में कितने टाइम पर कौन सा इफेक्ट लाने के लिए आपको देना चाहते हैं। तो जी ये है बात। जी तो मैम, कई बार हम ये सुनते हैं किसी को नींद आ जाती है या किसी को समझ नहीं आता, उनको लगता है कि सोचने की क्षमता में फर्क पड़ता है, तो किस टाइम का भी पाबंदियां इसमें होती हाँ हैं? जी देखो ऐसा है कि मतलब अच्छे डॉक्टर की, और मतलब सारे डॉक्टर पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन अच्छे डॉक्टर में और कम अच्छे डॉक्टर में इतना ही फर्क होता है कि वो पेशेंट की सारी सिचुएशन समझे। जैसे मान लीजिए कोई स्कूल गोइंग बच्चा है, मान लीजिए कि कोई बच्चा एग्जाम गोइंग है, मान लीजिए कि कोई अपनी मीटिंग में कल ही जा रहा है, तो उसको अच्छा अपीयरेंस देना जरूरी है। तो ये सारी सिचुएशंस को ध्यान में रख करके जो प्रेस्क्रिप्शन देते हैं वो अच्छे डॉक्टर कहलाते हैं। तो इसलिए दवाइयों का डिटेल में इफेक्ट जान करके जब डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं तो वो आपके फेवर में होता है। जैसे कई बार ऐसा होता है कि हमको भी नींद वाली दवाई देना जरूरी हो जाता है बच्चों को, लेकिन फिर हम पूछ लेते हैं कि तुम्हारा कोई इम्पोर्टेंट पेपर तो नहीं है, अच्छा तुम सैटरडे संडे को ये जरूर ले लेना ताकि इसका इफेक्ट आ जाएगा, फिर उसके बाद आप मंडे से इसका टाइम टेबल ऐसे बदल देना। तो जी यही अच्छे और कम अच्छे डॉक्टर में थोड़ा सा फर्क होता है। जी तो इस तरह पर ध्यान देते हैं डॉक्टर आपकी जो दिनचर्या क्या है और उस पे दवाइयों पे क्या असर होना चाहिए, जी ये है बहुत अच्छे जरूरी से आपने हमें इस बात की क्लेरिफिकेशन दी, काफ़ी कुछ क्लियर हुआ इसके बाद से, आपके बात से। और उसके बाद हमारे पास चतन्या ने सवाल पूछा है, हाउ टू ट्रीट एन बात। एलर्जिक पेशेंट। हालांकि इस बारे में भी काफ़ी सारी बातचीत हुई है, पर फिर भी इस सवाल के जवाब में आप अगर कुछ कहना चाहें तो, हाउ टू ट्रीट एन एलर्जिक पेशेंट। हाउ टू ट्रीट एन एलर्जिक पेशेंट, उसमें तो यही है कि आपको वो पता लगाना पड़ेगा कि कौन से सिस्टम की एलर्जी है, कभी फूड पाइप की है या स्किन की है या आंखों की है या लिप्स की है या गट की है या ब्रीदिंग की है, और फिर उसके बाद में उनको देखिए कि सिम्टम रिलीव करना कितना जरूरी है। कोई अस्थमा के अटैक में आएगा तो सबसे पहले तो मुझे यही लगेगा ना कि इसको सांस तो दिलाओ, उसके बाद में ढूंढो कि कारण क्या है। तो इट विल डिपेंड अपॉन एन इंडिविजुअल पेशेंट कि कौन किस हालत में आता है और उनको फिर उसी तरह इलाज किया जाएगा। जी उसके बाद एक प्रश्न हमारे पास एटमॉस्फेयर को लेकर है, और ख़ास तौर पे दिल्ली को लेकर है, कि जहाँ तो हमारे पास जी एयर प्योरिफायर के एयर प्योरीफायर तो मैंने उसके बाद में बारे लिखा, लेकिन उससे पहले अदिति जी ने ये पूछा है कि जो दिल्ली की अनअवॉइडेबल सिचुएशन है, जहाँ पे उनको बाहर जान अनअवॉइड हाँ जैसे दिल्ली का अगर एटमोसफियर जैसा है, अगर उनको बाहर जाना पड़ता है लोगों को, तो हाँ उन अनवाइडेबल सिचुएशंस के लिए कोई अगर आप बात कहना चाहेंगे तो। एक बात सुनो, मतलब हमको ये सोचना चाहिए ना कि करोड़ों लोग रहते हैं लेकिन करोड़ों लोग बीमार तो नहीं है ना, जी तो फिर कुछ ही लोग क्यों बीमार हैं। तो इसका मतलब ये कि हमको अपनी बॉडी के अंदर हाइपर सेंसिटिविटी को कम करना चाहिए। मैं ये नहीं कहूंगी कि इम्यूनिटी बढ़ाना है, इम्यूनिटी तो मतलब रोज के खाने में, एक्सरसाइज करने में, योग करने में और अच्छा लाइफस्टाइल रखने में, अच्छी सोच रखने में, खुशी रखने में, इन सब में बढ़ती है, तो उसके लिए कोई खान पान की जरूरत नहीं होती। लेकिन हाइपर सेंसिटिविटी कम करना, एलर्जी हाइपर सेंसिटिविटी की बीमारी है, जिस एटमोसफियर में, जिस खाने को, जिस चीजों को लोग हर जना टॉलरेट कर रहा है उसको कुछ लोग नहीं टॉलरेट कर पा रहे, ये हाइपर सेंसिटिविटी होती है। तो मुझे अपने उस हाइपर सेंसिटिविटी को कम करना है इलाज के जरिए और इन्वेस्टिगेशंस के जरिए। तो इसमें दिल्ली या कोई क्या करेगा, मतलब दिल्ली से भी पॉल्यूटेड है, नो डाउट पॉल्यूशन के कंट्रोल हमें करना चाहिए। आप लोगों के इतने अच्छे अच्छे लेक्चर होते हैं, सब कुछ होता है, पूरी दुनिया इस पे काम कर रही है,
ये पॉल्यूशन नहीं होना चाहिए, पॉल्यूशन से सिर्फ एलर्जी नहीं कई बीमारियां होती हैं, तो वो एक अलग सब्जेक्ट है। लेकिन अगर हम यही सोच के डरते रहे कि अरे दिल्ली मुझे बाहर नहीं निकलना, तो करोड़ों लोग निकल रहे हैं, करोड़ों लोगों को तो अस्थमा नहीं हो रहा ना, कुछ ही को हो रहा है, तो हमको अपने आप को ठीक करना है ना। जी। और उसके बाद यहाँ मेरे पास नेक्स्ट प्रश्न, जो हमने आपने डिस्कस भी किया था कोविड और एलर्जिक अटैक को लेकर, कि कैसे दोनों में डिफरेंस किया जाए। जैसे भी आजकल आपने कोविड का आपने बताया था कि बीच में टेस्ट करवा लिया जाए, चलो होशियार भी रहता है बंदा, चौकन्ना भी रहता है, चौकस रहता है, लेकिन फिर भी अगर डिफरेंस किया जाना चाहिए तो क्या डिफरेंस आएगा दोनों में? कुछ लगातार रहता है, कुछ कम समय के लिए रहता है, कुछ अगर पॉइंटर आप दे सकें हमें तो। नहीं, कोविड का अगर डाउट है तो टेस्ट करवाना जरूरी ही है, क्योंकि जी आपको मालूम है कि कोविड पे तो रोजाना नई जानकारी आ रही है और नए नए रूप में इमर्ज कर रहा है, और प्लस इसको जानना बहुत जरूरी है ना, क्योंकि इससे क्या होता है कि अगर आपको जैसे ही पता लग गया है तो आप कितने ही लोगों को और बचा सकते हैं ना फैलने से, तो अगर आपको डाउट है तो कोविड का तो टेस्ट कराना जरूरी ही होता है। जी उसके बाद मैंने दो तीन पॉइंटर्स यहाँ लिखे थे अदिति जी की बात से भी, और खुद भी मैं जानना चाह रहा था। एक मेरे को याद है कि किसी ने ना मुझे कोई ऐसी चीज़ बताई थी कि अगर वातावरण ज़्यादा सूखा हो जाए तो, किसी ने घटना मेरी याद आती है कि कपड़े अंदर सुखाए हुए थे, जिस दिन अंदर कपड़े सुखाए उन्होंने सब ठीक हो गए, तो हाइड्रेशन शायद प्रॉपर हो गई। उन्होंने कहा कि अंदर कपड़े सुखाने से वो पानी, हाँ, ह्यूमिडिटी, हाँ ह्यूमिडिटी जो है अंदर हो गई, तो करेक्ट, इस वजह से। हाँ और कुछ स्पेशली आजकल जब वो कर रहे हैं ना हीटर वीटर लगाते हैं, जी, तो फिर बहुत ज्यादा ड्राई एटमोसफेयर होता है, तो एलर्जीज, अस्थमा के अटैक, ये सब बढ़ने के चांसेस होते हैं, तो ह्यूमिड रखना, एटमोसफेयर अच्छा रहता है। तो जो ह्यूमिडिफायर्स होते हैं वो काम करते हैं उस स्थिति में? नहीं, वो पता है क्यों नहीं काम करते, क्योंकि इतना उसमें मतलब देखा गया है कि फंगस आ जाता है, क्योंकि हम लोग उनको मतलब अच्छे तरह से क्लीन वगैरह नहीं कर पाते। इससे अच्छा तो आप एक बड़ा सा बावल रख दीजिए कमरे में ओपन, ताकि वो अपने आप पानी एवेपोरेट होकर के और आपके एटमॉस्फेयर को ह्यूमिडिफाई जी मुझे करता याद रहेगा। है कि आपसे ये पहले भी डिस्कशन हुआ था, और उसके बाद से मैंने, कभी ऐसा हुआ जब बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाता है तो कभी मेरे पास जो टॉवल होता है मैं रख देता हूँ कभी गीला करके, सो हाँ, दैट वो कि बेस्ट है, वो वो बेस्ट है। ह्यूमिडिटी अंदर आ जाए थोड़ी सी, जिन दिनों बहुत ज़्यादा ड्राई होता है। और मुझे भी लगा है कि उसका फ़ायदा मुझे हुआ है। अच्छा एक कंसेप्ट, आप अभी आपने उस पर मुस्कुराए भी थे, और एयर प्योरीफायर्स बड़ा ही आजकल हॉट टॉपिक है, इसके बारे में आप। नहीं, ये सब ऐसे ही मतलब देखिए ना, कंपनियां तो कितनी ही चीजें निकालती रहेंगी, लेकिन ऐसा कुछ भी जरूरी नहीं होता है ना, जी, क्योंकि ये बात नहीं है कि मतलब एयर प्योरीफायर काम नहीं आएगा या क्या नहीं आएगा, लेकिन एक्चुअली हमको हमेशा ये सोचना चाहिए हम वो बिहेवियर करें जो कि हमारी सोसाइटी में ऑन द होल एक्सेप्टेबल हो, क्योंकि देखिए एलर्जी की बीमारी तो बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन है, और हमको मान लीजिए मैंने एयर प्योरीफायर इतने रुपए का खरीद लिया, लेकिन मुझे एयर प्योरीफायर को देखने वाले कितने लोग हैं, मेरे घर में जितने भी आएंगे वो सब कहेंगे, और अस्थमा तो किसी को भी, फिर वो कहेंगे अरे देखा ये लोग तो अमीर लोग हैं, एयर प्योरीफायर लेके बैठे हैं, हम तो ये अफोर्ड नहीं कर सकते, हम तो बीमार ही रहेंगे, और जबकि हमको मालूम है कि उसका कोई इतना फायदा नहीं होगा, तो हम ऐसा बिहेवियर क्यों करें कि जिससे कि सोसाइटी में कॉम्प्लेक्सेस आए और लोग सोचें कि हाय हम बेचारे हैं, हम तो नहीं ले सकते, ये लोग तो ले करके खुश हो रहे हैं और इसीलिए ठीक है, तो वो कोई तो ऐसा हाँ ऐसा कॉन्ट्रीब्यूटरी फैक्टर ना नहीं है। ना बिल्कुल भी नहीं है जी, कॉन्ट्रीब्यूटरी एक आपने बहुत ही फैक्टर। आज हमें अवेयर किया एंटीबायोटिक अब्यूज़ से, जिसके ऊपर लगातार हमने काम भी किया है। हम सभी पेरेंट्स को खास तौर पे ये बताते भी हैं, बच्चों के केस में तो खास तौर पे एंटीबायोटिक जो अब्यूज़ है बहुत ज़्यादा देखा गया था, और शायद धीरे धीरे अब लोगों में अवेयरनेस भी आ रही है। और आपने जो आग्रह भी किया है सभी फ्रेटर्निटी से भी, सभी अपने जो डॉक्टर्स भी हैं उनसे भी, जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनसे भी, कि एंटीबायोटिक का अब्यूज़ तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और ख़ास तौर पर वो पेरेंट्स जो खुद ही दवाई देने निकल चलते हैं, आधे डॉक्टर बन जाते हैं, वो एंटीबायोटिक अब्यूज़ बिल्कुल ना करें, बिल्कुल भी ये चीज़ें जायज़ नहीं है, यही हम संदेश देना चाहेंगे। और पेरेंट्स पता है क्या करते हैं कि पुराना प्रिस्क्रिप्शन रख लेंगे और फिर उसके बाद कहेंगे आपने बताया था उससे भी ठीक नहीं हुआ, और फिर मैं कहूंगी अरे कब मेरे पास कब आए, अरे 1 साल पहले जब आपके पास आया था ना कब ये बताया था, जी मतलब दिस इज नॉट द वे नो, कि भाई उस टाइम क्या था तब बता दिया होगा, लेकिन इसका मतलब थोड़ी कि आप उसको रामबाण समझ करके और जिंदगी भर उसी को लगती रहोगे, जी तो जी ऐसे अपने आप एंटीबायोटिक है ना बिल्कुल सेफ नहीं है। जी उसके बाद अदिति जी ने एक और प्रश्न हमसे किया है, हाउ टू वाइड प्लीज गाइड।
व्हेनेवर आई गो टू पंजाब आई गेट एलर्जी, हाउ कैन इट बी अवॉइडेड? ऑफ कोर्स आई कैन नॉट अवॉइड गोइंग टू माय कार। जी ये तो बड़ा ही जबरदस्त उनका समस्या है कि वो नहीं, ठीक कह रहे हैं कि पर एक बात है, इनकी समस्या बहुत जेन्युइन है, जी क्योंकि ये एक एकदम सब्जेक्ट है एरोबायोलॉजी। जी क्योंकि क्या होता है कि जैसे जैसे जगह रीजन चेंज होता है तो हमारे एयर एलर्जेंस बदलते हैं। मेरे पास भी ऐसा पेशेंट आया था जो वहां स्कूल में पढ़ता था, सनार, तो रास्ते में वो जाबली आता है ना, तो कहता था कि जैसे ही मैं जाबली आता हूँ, चाहे मैं आंखें बंद करके, कार के शीशे बंद करके भी बैठा हूँ, मैं बता सकता हूँ कि जाबली आ गया, क्योंकि मेरे ना नाक में, गले में कुछ अजीब इरिटेशन और आंखें सूजना और ये सब हो जाता है। तो फिर हमने पता लगाया कि वहां पे कोई एक खास तौर से बम्बल बी होती है जिससे उसको एलर्जी होती है, और उसके एलर्जेंस वो एटमोसफेयर में इतने स्ट्रांग होते हैं। तो मतलब ये जेन्युइन है जो इन्होंने कहा है ना कि एरो एलर्जेंस से ऐसी समस्या होती है। जी लेकिन इसके लिए क्या होता है कि आपको अपने सिस्टम को ठीक करके जाना है, मतलब कि आपके सिस्टम में कुछ इन्फ्लेमेशन होता है ना, एलर्जिक टेंडेंसीज बची हुई होती है, तभी वो उस पर इफेक्ट कर पाते हैं एलर्जन। तो अगर आप हेल्दी स्टेट में जाएंगे वहां पे तो आपको कुछ नहीं होगा। तो आप पहले अपना इलाज करा लो अच्छी तरह से, और फिर उसके बाद में आप चाहे जहां मर्जी घूमिए, कुछ नहीं होगा। जी जी तो जी बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब ने जैसे बताया कि प्रिवेंशन आप पहले लेके चलिए, प्रिवेंटिव इलाज जो उन्होंने पहले भी कहा था, जिससे आपको पता है कि आप इस सीज़न में जाते हैं, किस सीज़न में जाते हैं। जब वो बातचीत होगी तो डेफिनेटली पता लगेगा कि आप थोड़ा अपना शेड्यूल उस हिसाब से बना सकते हैं। जी तो वेजिटेशन वगैरह को चेक किया जा सकता है उस समय। तो तो उसके हमने बाद कहा 1 घंटे तक बातचीत कर ली, अब क्या करना चाहिए, बंद करना चाहिए? नहीं मैम, अभी मेरे पास 2-3 प्रश्न और भी हैं, एक बार उनसे अच्छा बात। ठीक है, आप पूछ लीजिए, क्योंकि जी जी मेरी उसके ना बैटरी भी थोड़ी लो हो रही। चलिए ठीक है, बताइए। मैं फटाफट से कोशिश करता हूँ। हाँ प्रतीका हाँ हाँ मेहरा जी का क्वेश्चन है कि जब भी वो दिल्ली विजिट करते हैं, आफ्टर दैट आई डेवलप एन एलर्जी एवरी डे फॉर अराउंड 1 or 2 times अ डे। आई कैन फील द नेजल ट्रैक्ट क्लोजिंग एंड ऑल्सो अ लिटिल लाइट हेडेड। सीम्स टू बी एन एक्सपोजर टू समथिंग दैट इज वेरी कॉमन अराउंड। द डॉक्टर सेज दैट साइनस ट्रैक इज क्लियर, कुड यू गिव मी योर काइंड एडवाइस? साइनस ट्रैक क्लियर लगता है उनको, लेकिन उनको फिर भी एलर्जिक सिम्टम्स आते हैं दिल्ली खासतौर पर विजिट करने के बाद। नहीं तो वो अगर चाहे तो वो मुझे मिल सकते हैं, तो फिर मैं स्पेसिफिकली उनकी प्रॉब्लम को एड्रेस कर आप एक बार सकती हूँ। अपना फोन नंबर मैम अगर बोल दें तो मे बी दे कैन हाँ कॉन्टेक्ट। हाँ ठीक जी है। 9427262239, फिर से बोल। जी 9417262239। जी तो डॉक्टर साहब से आप कांटेक्ट कर सकते हैं सीधा भी फोन पे, और जो हाँ। भी आपकी बातचीत आप आपस में। चैट बॉक्स में लिख देना मेरा नंबर, जी मैं फिर ताकि आप बता फिर दीजिए फिर 94। किसी 9417262 जी 622 39। 39 ये मैंने चैट बॉक्स में लिख दिया है आपका नंबर। तो हाँ क्विकली मैं आगे हाँ चलता हूँ। सरनजीत कोमल जी ने आपके बारे में बड़े अच्छा रिमार्क्स दिया है, रियली वेरी इन्फॉर्मेटिव सेशन। नरेंद्र कुमार बासी जी ने बहुत अच्छा आपके लिए लिखा है, बहुमूल्य जानकारी देने के लिए धन्यवाद। इलाज के साथ साथ नौकरी पर वापस भेजना तो और भी बेमिसाल बात है। जी कुछ जी तो आज की रेती बात है कि वो बेचारी प्रिंसिपल मुझे कहती थी कुछ, आप कभी कुछ नहीं कहते, कुछ नहीं कहते, अच्छा वो उन्होंने मेरा काम कर दिया। जी तो हमारा भी उनको साधुवाद है, प्रिंसिपल को भी और टीचर को भी। और अदिति भारद्वाज जी ने फिर एक पूछा है, शुड वी लीव द आइडेंटिफाइड एलर्जन फॉर एवर? हमें हमेशा के लिए छोड़ना पड़ेगा? हालांकि आपने ग्लूटेन के बारे में बताया भी है कि हमें बीच में मतलब कुछ देर छोड़ के वापस भी आ जाते हैं। हाँ नहीं मतलब हमको आइडेंटिफाई करना पड़ता है, तो हर एक फूड का टाइम टेबल बना हुआ होता है, कितने टाइम छोड़ना है और कैसे रीइंट्रोड्यूस करना है, जी ये जरूरी है उसमें। जी छतवाल साहब का एक प्रश्न है, कैन ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस हेल्प? ऑफ कोर्स यस, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस विल ऑलवेज हेल्प। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस से लंग कैपेसिटी बढ़ेगी, वाइटल कैपेसिटी बढ़ेगी, फोर्सफुल एक्सपिरेशन बढ़ेगा। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस विल ऑलवेज हेल्प, बट ये है कि एक्सरसाइजेस जब हमारा एस्थमा कंट्रोल हो उस टाइम हमें करना चाहिए, ताकि हमको फिर दोबारा ऐसी प्रॉब्लम आए नहीं। एक्यूट स्टेज में एक्सरसाइजेस विल इंड्यूस एस्थमा। जी उसके बाद डॉक्टर मावी का प्रश्न है कि आई हैव बीन हाइपर एलर्जिक सिंस माई चाइल्डहुड। एलर्जी फ्रॉम बॉटल ब्रश, वाइट वॉश वॉज वेरी कॉमन, नाउ हैड स्वियर रैशेज। टेस्ट सेज IgE काउंट इज 204 ऑन एंटी एलर्जिक एलर्जी सिंस लॉन्ग। इज दैट फाइन टू कंटिन्यू लिवोसिट्रिजन फॉर लॉन्ग? ऑब्वियसली अंडर मेडिकल गाइडेंस, एज 47।
लीवो सिटीजन इज नॉट द आंसर. जब आपके एलर्जन आइडेंटिफाई हो गए तो आपको इम्यूनोथेरेपी इज द ट्रीटमेंट. इसका मतलब ये है कि वो जो पर्टिकुलर चीजें जिनसे एलर्जी है उनके अगेंस्ट अपने अंदर इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए जो ट्रीटमेंट होता है उसको इम्यूनोथेरेपी कहते हैं. वो करवाना चाहिए ताकि पर्टिकुलर एलर्जन एटमोसफेयर में रहे और आप भी फिर वहां पे घूम फिर सकते हैं और वो आपको इफेक्ट नहीं करेंगे. तो ऐसा एक स्पेसिफिक ट्रीटमेंट होता है, बहुत कॉमन है लेकिन ये ट्रीटमेंट. जी, तो मे बी शी कैन कॉन्टेक्ट यू बैक ऑन सम टाइम जी लेटर। हाँ जी जी जरूर. जी जी तो उसके बाद शिवांगी बांसल जी ने लिखा है कि इफ देर इज एन एस्थमेटिक पेशेंट इन होम कैन वी कीप ए पेट डॉग? यू शुड नॉट यू शुड नॉट। एक, हाँ जी जी क्योंकि वैसे तो बहुत सेंसिटिव बात है क्योंकि, लेकिन ऐसा है कि जनरली तो यही है कि नहीं रखना चाहिए क्योंकि उनके डेंडर्स जो होते हैं एटमोसफेयर हवा में ब्रीदिंग में. अच्छा, और एक दिन नहीं, कम से कम एक दिन आप डॉग को हटा दोगे ना फिर भी 4 महीने तक उनके डेंडर्स घर के अंदर रहते हैं. ये भी बात है, कोई जी कहेगा मैंने हटा दिया फिर डॉग फिर भी मुझे क्यों ये जा रहा है. जी नहीं रखना चाहिए. हाँ, जी मैं थोड़ा सिर्फ फास्ट इसलिए हो डॉग रहा ही हूँ, नहीं कैट भी नहीं. हाँ फास्ट इसलिए हो रहा हूँ कि आपके फ़ोन की बैटरी हम चाहते हैं कि पूरा का पूरा हम इस्तेमाल कर लें। छतवाल हाँ साहब जी ने लिखा है नाइस इंट्रैक्शन, थैंक यू वेरी मच सर। शुभांगी थैंक यू. बांसल जी ने लिखा है एंड इन समर्स दोज पार्ट्स विच एक्सपोजर टू सनलाइट स्टार्ट इचिंग, इट हैपन्स ओनली इन समर्स नॉट इन विंटर्स। तो सन एलर्जी के बारे में बातचीत कर रहे हैं। सन एलर्जी में तो ये होता है, इसको फोटो सेंसिटिविटी कहते हैं. और ये क्या होता है कि कोई एलर्जिक टेंडेंसीज को उभारने में होती है पर सन इटसेल्फ कैन नॉट गिव एलर्जी. और सन को तो बहुत रिस्पेक्ट के साथ रखना चाहिए, यूज करना चाहिए क्योंकि जरूरी है. सन, उससे विटामिन डी मिलता है जो किसी भी और चीज से नहीं मिलता. और बिना मतलब हम कैप्सूल और पाउडर और ये सब खाते रहते हैं. तो इसलिए सन को तो आप फ्रेंड समझिए, चाहे आपको रैशेज होते हैं तब भी. जी आपने हैट पहन लीजिए ताकि फेस पे नहीं लगे, छाता लगा लो, पर वैसे तो सन में निकलना ही चाहिए ना. जी उसके बाद छतवाल साहब जी ने फिर से लिखा है वेरी यूजफुल इंफॉर्मेशन। नायर साहब ने लिखा है थैंक कैन यू. आई आस्क टेक्स्ट यू मैसेज इन प्राइवेट? ओके यस, योर हाँ नंबर जी हाँ जी नंबर आपको हाँ दिया हुआ जी है मैम से, तो मैम जी प्रोफेशनल हैं, आप जब भी उनसे बात करें पहले टर्म्स एंड कंडीशन क्लियर करके फिर बात कर लें, ज़रूर करें उनसे बातचीत। और मैम जितना मेरा एक्सपीरियंस है आई कैन रिकमेंड हर सर्विसेज, बहुत ही अच्छे से डील करते हैं, बहुत ही अच्छे से सब चीज़ें समझाते भी हैं। मैम का बहुत साल का एक्सपीरियंस है और आप सबने सुन ही लिया है उन जो उनकी टॉक में। उसके बाद डॉक्टर इंद्र शर्मा जी ने काफ़ी बड़ा मैसेज लिखा है, मैं एक बार पढ़ देता हूँ। मैम आई हैव बिन डायग्नोस्ड विद यूट्रिकेरिया, यूटिकेर आर्टिकेरिया, आर्टिकेरिया. सॉरी मैं मुझे आर्टिकेरिया पिगमेंटोसा सिंस 2006, इनिशिएटेड प्राइमरली विद इंसेक्ट बाइट एंड नाउ हैव एलर्जिक रिस्पॉन्स वेरी फ्रीक्वेंटली। फ्यू थिंग्स आई हैव आइडेंटिफाइड सच एज अच्छा, ग्राउंड नट्स। इंसेक्ट बाइट में भी मैं ये बताना चाहती हूँ कि इम्यूनोथेरेपी बहुत सक्सेसफुल होता है, तो वो भी मुझे मिलने तो अच्छा रहेगा. जी तो फ्यू थिंग्स आई हैव आइडेंटिफाइड सच एज ग्राउंड नट्स, मशरूम, टारो जैम, पेंट्स, रेड चिली पाउडर। आई टेक एलेग्रा एम क्वाइट ऑफन एज प्रिस्क्राइब्ड बाई डर्माटोलॉजिस्ट। बिसाइड्स दिस आई हैव हाई टेंडेंसी टू डिवेलप ब्रोंकाइटिस एंड हैव प्रिस्क्राइब्ड इनहेलर्स ड्यूरिंग सीजन चेंज। एनी सजेशन इफ पॉसिबल? नाउ माई डॉटर ऑल्सो हैज स्टार्टेड डिवेलपिंग अर्टिकेरिया, इज इट हेरिटेबल? काइंडली सजेस्ट। नहीं, हेरिडिटरी तो नहीं होता लेकिन जेनेटिक टेंडेंसी की वजह से किसी को भी हो सकता है. हेरिडिटरी स्किप भी कर सकते हैं जी जी. तो आप यही एडवाइस करेंगे इनको कि आप किससे एक बार फोन पे अलग से बातचीत कर लें हाँ, एंड देन। अगर आपको कोई भी डिफिकल्टी है तो आप जरूर पूछें क्योंकि क्यों नहीं, हम अपनी सर्विसेज आप लोगों की हेल्प करने के लिए देना चाहते हैं. और आप जी सबको एलर्जी फ्री रहना चाहिए, पर सबको खुश रहना चाहिए. जी तो अदिति भारद्वाज जी ने जो आपसे सीखा है उसको वो समअप किया है कि उनको ज़रूर अगर सिम्टम वेरी कर सकते हैं लेकिन एलर्जिक टेस्ट के लिए ज़रूर जाना चाहिए। तो यस डेफिनेटली आपको एलर्जिक टेस्ट के लिए ज़रूर जाना चाहिए, तो दैट इज़ देयर। छतवाल साहब ने पूछा है कि दैट मिस्टर अशोक लवासा ही मे बी नोइंग टू हिम इफ यू आर रिलेटेड टू समहाउ। उनके सवाल में है जवाब. अच्छा वो मेरे छोटे भाई हैं. अच्छा
ओके तो छतवाल साहब आपको आंसर मिल गया होगा। छतवाल साहब हमारे एक सीनियर काउंसलर हैं, ही हैज बीन डूइंग सो मच ऑफ सोशल वर्क। बहुत सारी वो क्लासेस वेरी लेते हैं, नाइस बहुत सारे सेशंस उन्होंने बच्चों के अच्छा लिए किए हैं, स्कूलों में वो जाके काम करते रहे हैं। तो कोविड पीरियड आई से विल बी दौरान वेरी हैप्पी टू मीट हिम, बहुत अच्छा लगेगा ही उनसे एक्चुअली इज मिलने। अ वेरी गुड काउंसलर मैम, वो बहुत सारी तरह की अच्छा काउंसलिंग करते हैं जी। तो उसके बाद जी मेरे पास चैट बॉक्स में जो मेरी बातचीत थी वो यहीं तक है, और क्योंकि मैम ने मुझे पहले से इंडिकेट कर दिया है कि टाइम हमारा हम लोग ले चुके हैं जितना हमें सफिशिएंट लेना था, तो जितने लोग हमारे पास प्रेजेंट हैं उसके बाद विक्रम जादका जी ने अभी पूछा है कुछ, लेट मी सी दैट कि उन्होंने क्या पूछा है। यंग चिल्ड्रन फ्रीक्वेंटली हैव कफ एंड कोल्ड डायग्नोस्ड एज एलर्जी। यस सर, इस बात का भी हम लोगों ने चर्चा किया, प्रॉपर डायग्नोसिस होना चाहिए, हमें घरेलू डायग्नोसिस या पुराने डायग्नोसिस पे नहीं चल पड़ना चाहिए। तो मैं क्योंकि मौका देना चाहता हूँ जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं उनको माइक पे भी, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा तेज़ हो गया हूँ यहाँ पे, हम लोग बातचीत कर पाए। मैं एक एक करके नाम लूंगा, अगर कोई अपना माइक ऑन करके पूछना चाहता है तो वेल उनका स्वागत है, और अगर उनका कोई सवाल नहीं होगा तो मैं उनसे आग्रह मैं एक करूँगा। मिनट ना अपना वीडियो ऑफ कर देती हूँ ताकि मेरा वो फोन की बैटरी रहे। जी तो मैं ये चाहूँगा कि फटाफट हम सवाल मैम से पूछ लें इससे पहले कि फ़ोन की बैटरी में जितना है उनका पूरा भरपूर इस्तेमाल कर लें। अदिति भारद्वाज जी, आप काफ़ी प्रश्न पूछ चुके हैं, तो मैं एक बार आपका नाम स्किप करता हूँ, एंड में फिर से आप मौका आपसे ले लूँगा। अनुप्रीत मावी जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं मैम से, कुछ इंटरेक्ट करना चाहते हैं, तो माइक ऑन करके प्लीज़ पूछ सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर अरुण फॉर ऑर्गेनाइजिंग ब्यूटी सेशन विद मैम। एंड मैम आई थिंक द बेस्ट वुड बी दैट आई शुड इन पर्सन मीट यू, एंड इट वाज अ वेरी वेरी इन्फॉर्मेटिव सेशन। थैंक्स अ लॉट फॉर इट। जरूर आप मिलो, जरूर मिलो, श्योर जी आई वुड लव टू, आई श्योरली थैंक सून मीट यू। थैंक यू। यू वेरी मच। चैतन्य, आप कुछ कहना चाहते हैं? जैसे इट वाज अ वेरी इन्फॉर्मेटिव सेशन एंड मैं एक्चुअली माय ग्रैंडमदर एंड माय कजन from asthma, so I would tell them pros and pros to how to avoid things about asthma and all, so that they could prevent and become healthy again. बिल्कुल Yes, चंद्रा yes. जी, आप जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं देख रहे हैं उनके लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है, अपने अपने चीज़ों की लिस्ट जरूर बनाएं। मैम ने कहा है कि बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, बहुत सारी चीज़ों की जानकारी ली जाती है, तो जितनी ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आप लिख के किसी डॉक्टर के पास लेके जाएंगे, जितने ज़्यादा से सवालों के जवाब लेकर जाएंगे, उतनी ही जल्दी वो आपका प्रॉपर डायग्नोसिस करके ट्रीटमेंट शुरू कर पाएंगे, चाहे वो क्योरेटिव हो चाहे वो प्रिवेंटिव हो, वो कर पाएंगे। तो डॉक्टर इंदु शर्मा जी, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ अपना माइक ऑन करके बात करें। थैंक यू मैम एंड थैंक यू डॉक्टर अरुण। मैम आई जस्ट वॉन्ट टू आस्क कि हाउ मच आई शुड टेक दैट एलेग्रा एम, हाउ इज इट सेफ टू टेक? आई ऑल्दो समटाइम्स आई नीड टू टेक इट इन कंटिन्यूशन फॉर 2 मंथ्स और लाइक दैट, इज इट ओके टू गो विद दिस? क्या हुआ आपको जो आपको एलेग्रा एम लेना पड़ रहा है? मैम अर्टिकेरिया पिगमेंटोसा है इन डायबिटीज, तो सबसे पहले आपको ये कि एम नहीं लेना चाहिए। एम का मतलब ये होता है कि उसके अंदर एक और शॉर्ट आप एलेग्रा 120 ले लो या ज्यादा से ज्यादा 180 ले लो, एम मत लो। बट स्पेसिफिकली दैट हैज बीन प्रिस्क्राइब टू मी बाय सम डर्मेटोलॉजिस्ट दैट इट वुड हेल्प यू इन इन नॉट एग्रीवेटिंग दैट। ये प्रिस्क्राइब किया आपने, आपके कभी एलर्जी टेस्ट नहीं किए दैट व्हाई डू यू हैव अर्टिकेरिया? नो 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 दे डिडंट डू दैट। अच्छा, तो एक्चुअली पता है क्या होता है, देखो बहुत सिंपल एग्जांपल है, अगर आप एक घड़े को खाली करना चाहते हो तो एक साइड से भरते रहोगे और दूसरे साइड से खाली करोगे तो नहीं होगा ना, तो आपका अभी कॉज आइडेंटिफाई नहीं हुआ है, इसलिए आपको एलेग्रा की जिंदगी में जरूरत पड़ेगी या रही है ना। कॉज आइडेंटिफाई करोगे, अपने आप को प्रिवेंट करना शुरू करोगे, पहले वगैरह बंद हो जाएंगे, तो इसलिए कॉज आइडेंटिफाई करना जरूरी है, और जब तक कॉज नहीं आइडेंटिफाई होता है फिर आपको दवाई लिखी और सिम्टम्स ठीक करना पड़ेगा। बट डोंट थिंक आप एलग्रा सिम्टम ले सकते हैं। ओके मैम, इवन दैट माय एलर्जीज दैट अर्टिकेरिया प्रॉब्लम दैट गेट्स ट्रिगर्ड विद इवन लाइट, आई मीन सनलाइट, फोटोसेंसिटिविटी। सो डॉक्टर शर्मा, आप जरूर डॉक्टर लवासा से बाद में संपर्क करिएगा, आपकी समस्या का मैम ने बिल्कुल बड़ा टू द पॉइंट जवाब दिया है कि इधर से अगर हम भरते रहेंगे दूसरे सब से खाली करते रहेंगे तो कभी खाली नहीं होगा, भरता ही रहेगा। उसके बाद गुरदयाल सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो प्लीज़ आप अपना माइक ऑन कर सकते हैं। हरजीत कौर जी, अगर आप कुछ कहना चाहेंगे अपना माइक ऑन कर सकते हैं। कुलतरन छतवाल जी, अगर आप अपना कुछ कहना चाहते हैं तो माइक ऑन कर सकते हैं।
Thank you very much, डॉक्टर बंसल, एंड थैंक यू वेरी मच डॉक्टर लवासा. थैंक यू. और ये मुझे, मैंने काफी सेशन अटेंड किए हैं, ये जो सेशन था ना, एक बिल्कुल कॉम्पैक्ट और प्रोफेशनल और वेरी बैलेंस्ड एडवाइस डॉक्टर साहब ने जिस कम्पोज लेवल में, तो अभी आपने बड़े रेलिवेंट क्वेश्चन पूछे, उन्होंने बिल्कुल टू द पॉइंट उनके आंसर दिए. तो ये चीज जो अवेयरनेस है ना, अभी पता है क्या क्या हो रहा है, एक पुराने जमाने में एक फैमिली डॉक्टर हुआ, स्पेशलिस्ट और पेशेंट के बीच में एक ब्रिज का काम हो जी. वो बताता था कि आपको इस चीज की प्रॉब्लम है, आप ये करो. आजकल लोगों का जो फैमिली डॉक्टर्स नेट ने ले ली है, लोग नेट पे सर्च करते हैं और उसके बाद डिसीजन ले लेते हैं कि उनको क्या करना चाहिए. डॉक्टर साहब ने यही कहा है कि चीज में कोई डाउट है, गो टू द स्पेशलिस्ट. बिल्कुल बिल्कुल. स्पेशलिस्ट किसके लिए बैठा? बिल्कुल बिल्कुल छतवाल साहब, गैप आपने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन मेरे पास पीछे क्योंकि इंडिकेटर मैम की बैटरी का आया हुआ है फोन की, तो मुझे एक बार मैं आपसे ये आग्रह करूंगा कि आप हमारे साथ छतवाल साहब बने रहिए, क्योंकि इस सेशन के एंड में हम इस बात को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे. मैं ये नहीं रोक रहा कि अभी हम इस बात को रोक रहे हैं हम, लेकिन इस सेशन के एंड में इस बात को जरूर करेंगे, और जब तक वो मैम का फोन चलता रहेगा फिर दोबारा आप इस बात पे आएंगे. डॉक्टर वाली बात कही ना, वो बहुत ही ज्यादा मतलब अच्छी बात है, वो मेरे दिल को इतना छूती है. मैं हमेशा ये सोचती हूँ जी कि बस कहीं पे भी जाकर के, और मतलब आजकल तो हो गया है ना सुपर स्पेशलाइजेशन का जमाना, लिटिल फिंगर के लिए अलग डॉक्टर और थंब के लिए अलग डॉक्टर. दिस इज रियली रॉ. हम अपनी मेडिकल एजुकेशन सिस्टम में भी बहुत बदलाव लाना चाहते हैं कि फिर से हम वो सिस्टम शुरू करें कि जिसमें डॉक्टर को लोग अपना समझें और ना कि सिर्फ सुपर स्पेशलिस्ट समझ के और यहाँ से वहाँ घूम रहे. छतवाल साहब खुद एक बहुत बड़े डॉक्टर हैं मानसिक तौर पे, जो मैं उनका समझता हूँ बहुत बड़ा उनका कंट्रीब्यूशन है समाज के लिए, और मैं इस बात के लिए मैं तभी उनको मैंने कहा कि उनसे जल्दी से जल्दी मैंने सुनना चाहूंगा, लास्ट में उनसे डिटेल में मैं और सुनना चाहूंगा, क्योंकि वो उनकी बातें हमेशा ऐसी बातें वो कह देते हैं कि पूरे जीवन भर काम आने वाली बातें होती हैं. तो छतवाल साहब मैं एक बार लिस्ट अपनी कंप्लीट कर लूँ, उसके बाद फिर हम दोबारा आपकी इस बात में जरूर चर्चा करने वाले हैं जी. उसके बाद तो डॉक्टर अशोक लवासा है ना, उनकी जो वाइफ है ना नोगल, वो हमारी कली रही है देहरादून में. अच्छा, क्या बैंक से? हमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से. ओके ओके ओके. हाँ, लवासा जब चंडीगढ़ में पोस्टेड थे ना, तो आई यूज्ड टू सिंग इन टैगोर थिएटर. वो हमारा प्रोग्राम अटेंड करने आया था, देहरादून प्रोग्राम प्रतिष्ठित सोसाइटी का. हाँ, प्रतिष्ठित सोसाइटी, वो तो मैं भी आती हूँ. जी जी, मैं आगे लिस्ट को आगे बढ़ाता हूँ अभी. छतवाल साहब मैं, मुझे प्लीज थोड़ा मेरी जिम्मेदारी निभाने दीजिए. प्रेम गुप्ता जी, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं आरसी धनास आईसीडीसी डीएस प्रोजेक्ट से, अगर कुछ पूछना चाहते हैं. हमारे साथ आज एक और हस्ती जुड़ी हुई है, मैडम वनीता हमारे साथ हैं. वो भारत की पहली स्नेक लेडी हैं और बहुत सारी किताबों में नाम दर्ज हो चुका है. नोबेल पीस प्राइज के लिए उनका 3 बार नाम नॉमिनेट हो चुका है. तो वो हमारे साथ जुड़े हैं. विनीता जी, विनीता जी, अगर आप कुछ कहना चाहती हैं तो अपना माइक ऑन कर सकते हैं. आपने क्या कहा? स्नेक, स्नेक, वो इंडिया वर्ल्ड की पहली स्नेक लेडी है, स्नेक रेस्क्यूअर है. वो 51,000 के करीब स्नेक्स को रेस्क्यू कर चुके हैं, और अगले हफ्ते इस संडे को उनका सेशन हमारा शेड्यूल्ड है, और सभी उसमें इनवाइटेड भी हैं. आप उनको जरूर सुनिएगा, और वो स्कूलों में कॉलेजेस में बहुत जगह ट्रेनिंग भी देते हैं उस चीज की. तो विनीता जी, जी विनीता जी, आप कुछ कहना चाहते हैं आज के सेशन पे, मैम से कुछ बात करना चाहते हैं तो आप माइक ऑन करके प्लीज कह सकते हैं. जी, तो विनीता जी, हम वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू, इसी तरह हम अगले इस संडे को आपका सेशन शेड्यूल है, हम लोग आपको जरूर सुनने वाले हैं उसमें जी. उसके बाद एसएस नायर जी हमारे साथ हैं. एसएस नायर जी, अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो प्लीज अपना माइक ऑन करके कुछ कह सकते हैं. जयका साहब, अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं. माइक अगर आप ऑन करना चाहते हैं प्लीज ऑन कर लीजिए. आपका माइक अभी ऑफ है सर. थैंक यू सर, एक्सेलेंट सेशन, बहुत अच्छा लगा. थैंक यू वेरी मच मैडम जी, डॉक्टर शुक्ला जी, एक्सेलेंट, ऑसम जी.
जी, और मैं बैटरी का भी धन्यवाद देता हूँ जिसने मेरी धड़कनें बढ़ा दी थी, लेकिन हम पूरी लिस्ट को पूरा कर पाए। अब मैं वापस अपने जो बहुत ही प्रमुख हमारे जो काउंसलर हैं जिन्होंने कोविड के दौरान बहुत सारे लोगों की हेल्प की, उन्होंने एक ऐसी टीम का संचालन भी किया जिसमें कि बहुत सारे हमने कॉल्स लिए और उन लोगों को, हमारे पास ऐसे केसेस भी आए जिनकी सुसाइडल टेंडेंसी थी, उन्होंने कॉल करके कहा दैट वी वांट टू गिव अप, तो उन लोगों तक को भी सीधे रास्ते पे लाए हमारे कुलतरण छतवाल जी। तो उनका परिचय जो है वो इतना लंबा है कि छोटे शब्दों में नहीं दिया जा सकता। जो सिविल वॉरियर्स होते हैं, सिविल ड्यूटीज निभाते हैं, उनमें से एक है कुलतरण छतवाल जी, जिनकी जब भी इनका लेक्चर सुनते हैं, जब भी इनकी बात समझते हैं, तो उसके बहुत सारे मायने निकलते हैं। तो छतवाल साहब, मैं अभी आपसे चाहूंगा कि अब, क्योंकि मैं लिस्ट अपनी पूरी कर चुका हूँ जो मेरी जिम्मेदारी थी एक्चुअली, तो इसलिए मुझे रोकना पड़ा था, तो आप प्लीज अपनी बात अब कहिए। मुझे, मेरा भी बहुत सौभाग्य है कि मैं ऐसे ऐसे लोगों के साथ जुड़ पाई आपके जरिए अरुण जी। तो जी आप बेशक मुझे और भी कुछ कहने के लिए बताएंगे मेडिकल सब्जेक्ट पे या जी किसी जी पे, तो मैं बहुत हम खुशी होगी मुझे बिल्कुल इसी सीरीज में बात हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे मैम, और ये सीरीज का एक करके। पहला ही है, तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू हाँ किसी वक्त पे पैनल डिस्कशन भी की जाए जिसमें छतवाल साहब भी हों, आप भी हों। तो आजकल जो लोगों को दिक्कतें आ रही हैं मानसिक तौर पे भी, अपनी बात को समझाने में, कहने में, या अपनी बात को एक्सप्रेस करने में जो चीज़ें आ रही हैं दिक्कतें, उसको भी देखा जाए। बहुत सारे लोग अकेले अकेले हो गए हैं, अलोन भी रह गए हैं, और ऐसी बहुत सारी हमें पता लग रही हैं समाज में विसंगतियां आ गई हैं कि जहां बुजुर्ग भी अकेले रह गए हैं करने के लिए, तो वो बहुत सारी चीज़ों के ऊपर काम होता है। तो छतवाल साहब, अगर आप जी वहां पे हैं तो प्लीज माइक ऑन करके, अभी आपके पास पूरा समय है, माइक आपके पास है, आप ऑन कर सकते हैं, इंटरेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर बंसल। ये जो आपने किया है ना, समाज में जो विसंगतियां आ रही है, उसमें सबसे बड़ी समस्या आ रही है लोनलीनेस की, अकेलेपन की। और ब्रिटेन में एक लोनलीनेस मिनिस्टर है, फुल फ्लेज मिनिस्ट्री है लोनलीनेस मिनिस्टर। तो ये हालात इतने खराब हो चुके हैं, ये जो सोशल मीडिया में जो लोगों का डाइवर्जन हो गया है, सोशल इंटरेक्शन से सोशल मीडिया में चले गए, डायलॉग से हम लोग मोनोलॉग में चले गए हैं, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो ये जो मन के रोग है ना, मन के रोगों का एलर्जी के साथ ये लगता है कुछ ना कुछ कनेक्शन है। ये नहीं, एलर्जी किसी भी मन के रोग से किसी भी तरह का स्ट्रेस है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, स्ट्रेस हमेशा एलर्जी को बढ़ाते हैं। तो आप जैसे ग्रैंड मास्टर सोचे हुए लोग जुड़े हैं इस मंच में, तो एक मेरे ख्याल से एक ये अवेयरनेस, जैसे और डॉक्टर्स भी इसमें इन्होंने सिलेक्ट किए हुए हैं डॉक्टर बंसल ने, एक अवेयरनेस की जरूरत है कि होलिस्टिक हेल्थ हेल्थ की तरफ जाए। अभी लास्ट वीक या मैं अभी दुबई से बोल रहा हूँ मैम, तो अच्छा। दुबई में अभी एक्सपो 2020 में एक वो सेमिनार था, वो था हेल्थ 2.0, तो उसका हेडिंग था हेल्थ टू वेलनेस। तो वेलनेस जो चीज है उसको, उस तक पहुंचने के लिए आप दोनों, मुझे लगता है कि बहुत ही उसमें एप्ट फिट होते हैं। डॉक्टर बंसल, और जिस हिसाब से मैंने डॉक्टर शकुंतला लवासा को सुना, जो उनका एटीट्यूड है, जिस कंपोज्ड वे में, बैलेंस्ड वे में वो बात करते हैं, और बिल्कुल उनकी उनकी जो समझ है इंसान के बारे में, जो उनकी समझ है, या जिस तरीके से वो अपनी बात कहते हैं, इस तरीके से अवेयरनेस थोड़ी सी क्रिएट करने की जरूरत है। अभी क्या हो गया है कि ये जो हर डॉक्टर जो भी दवाई प्रिस्क्राइब करता है, लोग उससे पहले आके नेट पे सर्च करते हैं, उसके साइड इफेक्ट देखते हैं, फिर अपने आप डिसीजन ले लेते हैं कि कब ट्रीटमेंट को टर्मिनेट करना है, कब इसको रीइंट्रोड्यूस कर देना है। और ये जो चीजें हैं, ये सोसाइटी को ज्यादा बीमार कर रही है। तो इस चीज के बारे में अवेयरनेस थोड़ी सी क्रिएट करने की जरूरत है। और जी ये जो चीज, अगर इस चीज को, अगर यहाँ पे अगर उसको नहीं करेंगे, हम पकड़ेंगे नहीं, तो ये चीज बढ़ती जाएगी। क्योंकि ये जो डेट के जितने फायदे थे ना, उसकी जो फ्लिप साइड जो है ना, ये सबसे डेंजरस है। जी छतवाल साहब, तो लोगों को इस बारे में मैं जो चाहूंगा कि आपकी बात का अभी। आपने जी पहले लवासा मैम को सुनते हैं। जी मैम आप बताइए। वॉलंटियर कर रही हूँ होम आइसोलेशन पेशेंट्स को, तो मैं आपको एक बात बताऊं कि होली का दिन था और एकदम मेरे पास फोन आया कि मैडम मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे पिताजी की डेथ हो गई। और मैं इतना ज्यादा शॉक में कि कोई ऐसी बात कैसे बोल रहा है। मैंने कहा तो फिर
बुलाओ किसी डॉक्टर को कि कैसे बुलाऊं, मैं और मेरी वाइफ दोनों कोविड पॉजिटिव हैं और कोई मेरे घर में घुसने के लिए तैयार नहीं है। तो मैंने कहा कि ओ माय गॉड, तो मैंने कहा क्योंकि ये तो मतलब बहुत, आपको मेरा नंबर कहाँ से मिल गया? तो कहता है कि वो ऐसे ही नेट पे मैंने नंबर ढूंढा तो मिल गया। तो मैंने कहा कि अच्छा फिक्र नहीं करो, तो एक्चुअली उस टाइम मैं ट्रैवल कर रही थी, तो मैंने कहा कि अगर मैं होती तो मैं आ जाती, लेकिन मैं कोशिश करके आपके पास किसी को भेजती हूँ। आप ये सोच लो कि मतलब मेरे जैसे डॉक्टर को, इवन गवर्नमेंट के डॉक्टर्स को उसके पास भेजने के लिए इतना एफर्ट लगा कि मतलब 2 घंटे हो गए कि कोई जाने के लिए तैयार नहीं। एंड मतलब देखिए कितनी कैसी सिचुएशन है कि एक आदमी ये सोच रहा है कि मेरे पिताजी की डेथ। फिर मैंने कहा कि देखो 2 घंटे हो गए, आपके पिताजी हिले विले नहीं है, तो ये तो मतलब अब श्योर हो गए कि उनकी डेथ हो गई, लेकिन मैं, आप चिंता नहीं करो, मैं किसी भी तरह आपकी हेल्प करके अब कोई भी वैन भेजती हूँ जिससे कि मतलब उनका ये बॉडी को कहाँ रखना है ये सब अरेंजमेंट हो जाए। यू हैव टू एक्सेप्ट कि ये सब हो गया है। और मतलब फिर बड़ी मुश्किल से मैंने एक एक यंग डॉक्टर्स की दो दो लोगों की टीम को तैयार किया, फिर उनके घर पे भेजा, फिर एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू टाई अप करके उनके लिए, फिर वो कहता है कि मेरे रिलेटिव्स आएंगे वो कहाँ रहेंगे, मतलब बहुत कुछ ऐसा सारा, मतलब इंसान इतना परेशान था कि पूछो मत। और फिर रिलेटिव्स आए, फिर गुड़गांव से बहन आई, ये आई, फिर बॉडी को कहीं रखवाना पड़ा। एंड अल्टीमेटली ही वाज सेइंग कि मुझे कम से कम नहीं तो उनका फ्यूनरल अटेंड करने की परमिशन मिल जाए। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, परमिशन दिलवा देते हैं, आप कोविड वाला जो है किट पहन के और चले जाओ और कुछ नहीं होगा। एंड यू नो जब वो फ्यूनरल करके आया तो ही वॉज क्राइंग सो बिटरली ऑन फोन। ही वाज सेइंग कि मैडम मतलब आज मुझे अपनों और दूसरों की पहचान हुई है कि मेरे अपने रिलेटिव्स जो दूर से आए थे मेरे पिताजी का वो करने के लिए, जब उनको पता लगा कि मुझे कोविड है तो एक भी जना डेड बॉडी के पास नहीं आया और इतनी दूर खड़े रहे। और मैं आज से जितना डिस्टर्ब हूँ उतना तो मैं कभी भी डिस्टर्ब नहीं हुआ, इससे अच्छा तो कोई नहीं आता, तो ही अच्छा था। मतलब आप ये देखो सोसाइटी में कैसी एपैथी आ गई है ना, तो ऐसा एक्सपीरियंस सच में खिला देता है आपको कि क्या हो गया हमारे समाज में ना। जी तो ये बिल्कुल समाज के भी करंट स्थिति है। और छतवाल साहब ने जो बातचीत कही कि हमें होलिस्टिक अप्रोच अपनानी पड़ेगी, तो होलिस्टिक छतवाल साहब यहीं से शुरुआत करते हैं, लेट अस सी दैट वन, कि आप अपना समय निकालिए, हम डेफिनेटली इस पे एक लेक्चर करते हैं, आपकी टॉक रखते हैं, और लेट अस सी दैट कि हम वो टॉक जो स्कूल के बच्चों तक पहुंचा पाएँ और सोसाइटी तक पहुंचा पाएँ। आप थोड़ा सा अगर कोई ऐसा मॉड्यूल बना लेते हैं हम डेफिनेटली उसको सपोर्ट करके आगे उसके आपके साथ हम सब इकट्ठे चलने को तैयार हैं, एंड लेट अस डू दैट वन। तो इसी के साथ जो है मैं एक बार जो हमारे लाइव ऑडियंस है उसको उससे विदा लूंगा। मैं फेसबुक लाइव की बात कर रहा हूँ, हम लोग यहाँ चैट में गूगल मीट पे बने रहेंगे। मैं मुझे इजाज़त दीजिए सबसे पहले तो लाइव ऑडियंस को मैं एक बार विदा कह सकूँ आज के लिए। तो जो सभी देखने सुनने वाले हैं अगर वो डॉक्टर लिवासा से कांटेक्ट करना चाहते हैं, उनका फ़ोन नंबर जो है आपके वीडियो में बिल्कुल दिया गया है और आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और कोशिश करें कि एलर्जीज को बहुत सीरियस ले लें, अगर आपके आसपास कोई एलर्जी का पेशेंट है तो प्रिवेंटिव उसका इलाज ज़रूर करवाने की कोशिश करें। इसी के साथ सोशल सब्सटेंस के इस अंक में से मैं आपको विदा कहता हूँ, बहुत हमसे जुड़े रहने के लिए।